प्रारंभ होत ही सुनो साथ चित दी भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो चर्चा का बख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे महामती कहे ये साथ जी ये इतके कहे बयान श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान नेक कहो पहचान। नौतनपुरी की लीला अब यहाँ से आए धामधनी अक्षरातीत ये बित्तक साहेब का घटना क्रम वर्णन करवा रहे हैं। हालार प्रदेश नवा नगर नौतनपुरी के घटनाक्रम में हम आगे बढ़े इससे पहले कल के घटनाक्रम को भी हम साथ में जोड़ दें कि कहाँ अंतिम तक का प्रसंग पूर्ण हुआ था। कल के प्रसंग में हमने देखा कि देवचंद्र जी की जो हरिदास जी के प्रति श्रद्धा उसकी सेवा और उसके अंदर बैठे हुए परब्रह्म अक्षरातीत की आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी वो स्वरूप का दर्शन हुआ मतलब पहचान हुई ये भी मैंने कल स्पष्टीकरण कर दिया कि वो भी अखंड में जो रास बिहारी बांके बिहारी श्री कृष्ण की आह्लादिनी ये राधिका जी के स्वरूप में वही स्वरूप में पहचान की है। उसको पता नहीं है कि परमधाम के परब्रह्म अक्षरातीत की आह्लादिनी है क्योंकि ये रास बिहारी की जो शक्ति है वो हमारे साथ ब्रज में लीला की थी तो देवचंद्र जी के अंदर की श्रद्धा निष्ठा और सेवा को देखकर हरिदास जी ने बांके बिहारी के बाघा वस्त्र की सेवा दी और अपने घर में पधरा के कैसे प्रेम पूर्वक भाव से सेवा करने लगे ये प्रसंग हमने कल बहुत विस्तार से सुना और आज के घटनाक्रम में हम कहाँ पहुँचे जो देवचंद्र जी अपनी अंदर जो एक जिज्ञासा जगी कि मेरे आत्मा के प्रियतम परब्रह्म कौन है और मैं उसकी खोज करके ही शांति प्राप्त करूंगा इससे पहले क्या क्या किस किस जगह के पहले उसने वहाँ कच्छ के मारवाड़ प्रदेश में अलग अलग जगह वहाँ आसपास के ग्राम में बहुत जगह पूछा और एक पिंगल श्याम की मूर्ति की प्रदक्षिणा भी करते रहे
लेकिन वहाँ कोई हृदय को शांति नहीं मिली, मन को कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद हमने देखा 4 साल भुज के अंदर, गुजरात कच्छ प्रांत में, भुज के अंदर कच्छ प्रदेश में, भुज के अंदर जो 4 साल तक खोज की और वहाँ से जब निकले और 4 साल और संन्यास मत काफड़ी वैरागी अलग अलग मतपंथों के सन्यासियों को मिले, साधु संतों को मिले, तो ऐसे करके उसकी उम्र और 16 साल में विचार आए थे कि मैं कौन, कहाँ से आईया और कहाँ है मेरा बर्थार। तो अभी नवानगर ये प्रसंग को मैंने अगला इसलिए विस्तार से बताया कि भैया वर्ष 11 तब मन भयो विचार, जब 11 साल की उम्र हुई तब से अंदर विचार आ रहे कि मैं कौन हूँ और आया कहाँ से हूँ और ये संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, मेरी आत्मा के प्रियतम कौन है। तो ये प्रश्न जगने के बाद 4 साल फिर वहाँ निकल गए और 16 साल की उम्र में वो जब फिर जब निकले घर से तो सुंदर साथ जी उसके बाद जो भुज नगर में और आसपास में जो खोज की और आज 24 साल की उम्र में जो नवा नगर, वैसे तो अलग अलग वित्तकारों ने कोई 26 साल की उम्र भी लिखते हैं और 14 साल निष्ठाबंद भागवत सुनेंगे तो 40 साल की उम्र में हक्के दिया दीदार, 40 साल की उम्र में जो तीसरा दर्शन होगा, तो 26 साल की उम्र में वो नवा नगर नौतनपुरी हालार प्रदेश में पहुँचते हैं। यहाँ धाम धनी ने लालदासी के धाम दिल में बैठकर बताया कि इन अब यहाँ से आए बीच हालार देश, तो नवा नगर आए और वहाँ उसके काफ़ी सगे संबंधी रिश्तेदार वहाँ रहते थे और उसके माता पिता हम सबको पता है जब भुज में हरिदास जी के वहाँ पहुँचे तो उसके साथ उसके माता पिता भी वहाँ पहुँच गए थे। तो ये माता पिता भी साथ में आए कहाँ, हालार देश नौतनपुरी, जो आज का जो नौतनपुरी है ये जामनगर, वहाँ सब आके वहाँ अपना घर बसा लिया। राज मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, जो आके भुज से आके जामनगर नवा नगर में अपना जो घर बसाया वो राज मंदिर के नाम से जाना जाता। उससे थोड़ी दूरी पर आगे ही चाकला मंदिर है, इसका प्रसंग आगे आएगा। और इधर से उत्तर की ओर जाएंगे उल्टी रास्ते पर तो वहाँ श्याम जी मंदिर है। तीनों मंदिर बस एक एक गली को छोड़कर है। श्याम जी मंदिर का भी आज प्रसंग आएगा जहाँ तीसरा दर्शन होगा। बीच में चकला मंदिर है, इधर की ओर राज मंदिर है। और इससे पहले थोड़ा जामनगर में हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं तो पहले हबसा आता है जहाँ जिसको कहते हैं प्रबोधपुरी, हो प्रश्न भी कल आएगा, तो जहाँ वाणी का अवतरण होता है तारतम वाणी का। तो अभी का जो नवा नगर नौतनपुरी जो निज मंदिर है तो यहाँ सुंदर साथ जी उसको हालार देश नवा नगर नौतनपुरी का यहाँ सीधा बता दिया। और आए कहाँ सीधे, राज मंदिर में आके वो ठहरे। वहाँ अपने कई सगे संबंधी और रिश्तेदार रहते थे और उसके माता पिता के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ उसी टाइम वल्वी संप्रदाय राधा मल मार्ग वल्वी संप्रदाय का जो मत का प्रचार प्रसार वहाँ बहुत था उसी टाइम और उसका प्रभाव भी बहुत था, क्योंकि वो मत का प्रचार प्रसार ज़्यादा था तो उसका प्रभाव भी वहाँ था। और वो लोग एक सांप्रदायिक एक बारे में मतलब एक सीमित एक संप्रदाय में बंधे हुए लगे थे और कर्मकांडी भी थे, छूत अछूत को मानने वाले भी थे। तो ये लोगों के अंदर एक मान लो राधा वल्लभी मार्ग के अंदर वल्लभाचार्य जी ने, ध्यान से, वल्लभाचार्य जी ने भागवत के 10वें स्कंद पे
जो सुबोध जी ने लिखी है, आएगी सूरत के प्रसंग में ये घटनाक्रम। तो ये जो धर्म ग्रंथ है उसमें वल्लभाचार्य जी ने बहुत मतलब गहरी गहरी अखंड योग माया ब्रह्मांड की भले प्रतिबिंब की लीला है, सुखदेव ने ये प्रतिबिंब लीला का वर्णन किया है, लिखी है। लेकिन असल को वो कहाँ जानते हैं कि तुम कौन, कृष्ण जी कौन, तो उसके जूठे प्रसाद भी नहीं खाते हो। तो जो उसकी वास्तविकता जाननी चाहिए वो नहीं, बस बाहरी कर्मकांड के किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी का स्पर्श किया हुआ ये जो हमारे पास सामग्री या कुछ भी अनाज जो भी है ये सीधा ही अछूता हुआ जाता, तो वैसे वाली बाहरी जो है उसी कर्मकांड में वो पड़े थे। तो यहाँ बताया कि उसका प्रभाव बहुत था। उसी टाइम श्री देवचंद्र जी अपने परिवार के साथ जामनगर नवानगर में पहुंचते हैं और आके श्याम जी मंदिर, अभी मैंने बताया ना तीनों एक एक गली में पड़ता है आगे पीछे, तो वहां जाके श्याम जी मंदिर, कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी का एक मंदिर था राधा वल्लभी मार्ग संप्रदाय का, और वहां जाके वहां के आचार्य कौन थे, भागवत करने वाले विद्वान कौन थे, कान्हाजी भट्ट, वहां एक कथा सुनने लगे। देखो आज हम एक एक प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे, उससे हमारे जीवन के अंदर कैसा बदलाव होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर कैसा परिवर्तन होना चाहिए। तो आप जब तक वितक सुनो तब तक एक एक घटनाक्रम को, एक एक प्रसंग को अपने ऊपर ही लेना है, ये किसी के वितक नहीं है। मैं कल नहीं पर पहले ही दिन एक चौपाई बताई थी कि या में सब अपनी बीतक, ध्यान से सुनो, या में सब अपनी बीतक, ये देवचंद्र जी मेरो तेरो नाम, क्या बताया, या में सब अपनी बीतक, ठीक है श्री जी बता रहे, तो उसमें सबके बीतक है, हमारी सबकी। मैं एक बात आपको स्पष्टीकरण करूं और जाके, मान लो कथा होती है और एक चर्चा होती है, कथा में कितना तफावत मतलब भेद है, और चर्चा और कथा के बीच में कितना तफावत है, कितना भेद है, आप ध्यान से सुनिए। कथा इसको कहते हैं कि जो कथा श्रोतागण सुनते हैं और वक्ता एक व्यासपीठ ऊपर बैठ के कथा करते हैं। कथा में कोई पौराणिक कथा होती है, कोई आर्य समाज ही होते तो वेदों उपनिषद व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद और भी कोई चर्चा होती है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पौराणिक कथाएं होती रहती है कोई ऐतिहासिक घटनाक्रमों की। इसमें एक वक्ता व्यासपीठ ऊपर बैठ के कथा करता है और श्रोता सुनते हैं। जो सुनने वाला है, ध्यान से, जो सुनने वाला है और वक्ता जो कथा करते ने उसमें बीच का कोई संबंध नहीं है। वक्ता कथा करते किसी राम की है, कोई शिव की है, कोई देवी की है, ठीक है, उसके साथ जो वक्ता लोग भक्त कथा सुनते हैं उसको पता ही नहीं कि मेरा आराध्य है, मेरा कितना निकट का संबंध है, बस उसको तो इतना है कि बस उसकी मैं पूजा भक्ति करता हूँ, उसकी मेरे को चर्चा सुननी चाहिए। उसके अंदर कोई भक्ति का रस, जो एक प्रेम का रस प्रवाहित होना चाहिए और मूल निस्बत का जो एक संबंध की पहचान होनी चाहिए वो नहीं है। वो सुनते हैं सिर्फ उसकी अंदर से अपने आराध्य के प्रति। हाँ, हमने हरिदास जी के अंदर कल देखा, लेकिन हरिदास किसकी भक्ति करते थे, कृष्ण की, प्रेम तत्व की, तभी उसके अंदर एक निष्ठा वाली भक्ति थी, एक रास्ता वाली गोपी और सखी भाव की भक्ति थी। तो यहाँ जो चर्चा सुनते हैं उसका जो संबंध है उसकी निस्बत की कोई पहचान अंदर से होनी चाहिए वो नहीं है, और यहाँ कथा सुन लेते हैं फिर कथाकार अपने स्थान पर चला जाता है, भक्तजन अपने स्थान पर। देखो चर्चा, चर्चा किसको कहते हैं, ऐसे तो किरंतन ग्रंथ में बताया कि कथा चर्चा तो इसको कहिए कि जो रुए और रो रहा है, मतलब वो भी रुले रुए और दूसरे को भी रुलाए। तो यहाँ चर्चा का भाव कैसे किसे लिया जाएगा कि चर्चा इसको कहते हैं कि जिसमें करने वाले सुंदर साथ है, कोई भी विद्वान, मैं विद्वान नहीं बोलूंगी, चर्चा करने वाले सब सुंदर साथ है, ठीक है, अवस्था अलग अलग होती सुंदर साथ की, लेकिन छह तो सब
सुंदर साथ। ब्रह्मात्मा है, भले यहाँ आचार्य विद्वान गुरु सतगुरु के एक हम शोभा देते ही हमारी एक महानता है, ठीक है, लेकिन सब सुंदर साथ है, सब ब्रह्मात्मा है। तो जो चर्चा करने वाले सुंदर साथ है और जिसको सुना रहे वो सामने भी कौन है, सुंदर साथ। तो दोनों एक रूप हो गए, दोनों एक ही समान हो गए, कौन बड़े कौन छोटे है, कोई बड़ा? मान लो मैं यहां से चर्चा कर रही हूं तो क्या मैं कोई दूसरी राजा रानी क्या भगवान अवतार की सुना रही हूं क्या? जो प्रियतम मेरे प्राणनाथ है, मेरे प्राणनाथ जो मेरे प्रियतम है आत्मा के, वही तो आपके पति है। और मैं जिस घर के परमधाम की चर्चा सुना रही हूं वही तो आपका घर है। समझ में आया? जो लीला में मैं लीला में विहार करती थी अष्टपर दिन चौसठ घड़ी, ठीक है, वही तो आपकी लीला है। हम एक ही साथ, एक ही खाना, एक ही पीना, एक ही जगह रहना, एक ही साथ घूमना, एक ही साथ प्रेम की वाहदत की वहाँ जो लीला हो रही थी, तो कोई दूसरा है यहाँ? कहने वाले भी वही घर के और सुनने वाले भी वही घर के, कोई अलग है ही नहीं। वहाँ कथा करने वाले कोई दूसरी की सुना रहे हैं, उसमें श्रोता जन बैठे हैं वो भी, कि कोई तो विष्णु को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई देवी को मानते, कि एक परमात्मा तो सबके हुए ही नहीं, नहीं हुए ने? देखो, और मान लो मैं राज्जी कहूँ, अक्षरातीत कहूँ, परब्रह्म कहूँ, सच्चिदानंद कहूँ, प्राणवल्लभ कहूँ, जो भी कहूँ, सब अलग अलग नाम है, लेकिन सब सब हमारे सबके एक ही पति है न? उसके तो पति भी कितने है न? तो चर्चा और कथा इसमें इतना तफावत, इतना भेद है। इतना समझ में आ गया? हम आगे बढ़े तो यहां देवचंद्र जी निष्ठा बंद, पहले तो निष्ठा कहते हैं किसको, निष्ठा कहते हैं किसको? शुरू हम जब कथा कथा तो नहीं चर्चा, क्योंकि कथा तो दूसरे की होती है, सुनने वाला भी दूसरा। चर्चा, चर्चा जब सुनने के लिए हम बैठते हैं तो रोज ही निष्ठाबंद, एक दिन भी हमारा कोई अंदर मतलब निष्ठा ना तोड़े, रोज ही जिस टाइम पे हम आते हैं वही टाइम पे हम आ जाए, एक ही स्थान पर बैठ के सुने और इतनी एकाग्रता से सुने, और एक दिन भी हम मिस नहीं करेंगे। और एक दिन नहीं, अरे चर्चा शुरू हो इससे पहले आके बैठे। श्रोता भी तीन प्रकार के आगे अष्टपहर में आएगा, एक पुष्टता से सुनता है, एक मर्यादा से सुनता है, और एक प्रवाह में सुनता है। जो पुष्टता से सुनता है ना, जो भी सुंदर साथ हो, चलो दूसरे पर क्यों ले, हमारी तो है ये चर्चा, वो इतनी पुष्टता से मतलब पूरा भाव से लगन से पिपासा लगी है, अंदर से जिज्ञासा जगी है कि नहीं मेरे धनी की चर्चा, मेरे घर की बातें है, मैं बस वहाँ जाके बैठ जाऊँ और आगे पीछे भी प्रसंग और घटनाक्रम में मेरी चूक ना हो जाए, बस इससे पहले ही मैं पहुँच जाऊँ। और इतनी निष्ठा के साथ सुनते हैं कि अपना मन ही जब तक चर्चा चलती रहे तभी इधर उधर आगे पीछे कहीं भी नजर ना जाए, पास में आके कोई भी सुंदर साथ बैठ ले या पीछे बैठ ले, आगे पीछे कोई भी आए जाए, हमारी दृष्टि जैसे मुरलीधर दास भाई अष्टपहर में आएंगे, कैसे नेत्रों से नेत्र मिलाकर, नेत्र भी न डगाओ भी, कैसे चर्चा सुनते थे। ये एक एक प्रसंग हमारे लिए प्रेरणा रूप है, एक सिखापन के रूप में है। तो चर्चा ऐसी पुष्टता से, और एक दिन भी हमारा कैंसल मतलब हम ना आए ऐसा कभी भी ना बने। मैंने कल भी बताया था ना कि आज आए फिर तीन दिन नहीं आएंगे, फिर दो दिन आएंगे, फिर चार दिन नहीं आएंगे, ठीक है। घर में तो ऐसे निष्ठा से हम सुन ही नहीं पाते, कोई भी माया की आंधी उठती रहती है। तो यहाँ निष्ठा का मतलब एक एक साल नहीं, सिर्फ ऐसे चौदह चौदह
साल तक 14-14 वर्ष तक सुनेंगे देवचंद्र जी, इतना भी नहीं। सुंदरसा जी ये भी भागवत ध्यान से सुनना, कोई राज्य की वाणी नहीं है कि प्रेम के अखंड रस बहा रही है। और देखो हमारे घर की बात है, मान लो आपको दूसरे की घर की यहाँ के कोई कहानी सुनाने लगे आपको कितनी देर आनंद आने आएगा। चलो मैं आपको कोई प्रश्न खड़ा होगा, मैं एक बात और बताऊँ। भागवत में चलो 10वें स्कंद में सुन, मैं एक दिन सोच रही थी कि 10वें स्कंद की चर्चा सुनने में तो चलो देवचंद्र जी को आनंद आया हुआ उसके जीव को देवापी को, क्योंकि उसमें अखंड ब्रज और रास का वर्णन है, ठीक है। लेकिन 9वें स्कंद तक तो राजा रानी की तो कथा ये है, और 11वां और 12वां यहाँ की द्वारिका लीला तो है, जो अनिरुद्ध ओखा वो सबकी तो कथाएँ है, ठीक है। वो कथा मान लो उसने 14 साल सुनी, हमको तो सुंदर साथ जी वाणी मिल गई। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, वाणी मिल गई और वाणी में भी आखिर के जो मार्फत के 30,000 जो थे हरफ, वो भी सागर सिंगार में नख से सिख तक का जो राज्य के दिल की पूर्ण पहचान जो परम धाम में नहीं हुई थी वो राज्य ने महासिंगार में वर्णन कर दिया। बस हमारी ओर से देरी है, बस डूबने के सिवा और कुछ बाकी ही नहीं रखा। देखो तो भी हमारी निष्ठा कितनी है। मैं इसलिए इतना विस्तार से बताया कि 400 साल से ये पाठ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी तो आखिर का ये दिन चल रहा है, आखिर की ये घड़ी चल रही है। अभी हमने किरंतन सुना ने, साथ जी सुनिए आखिर के ये वचन, किन कम किन ज्यादा लिया, किन का डारे रद। देखो चर्चा करने वाला यहां से कोई भी सुंदर साथ हो वो तो सबको समान दे रहे हैं, दे रहे ना। यहां से चर्चा आपको स्पीकर के माध्यम से सुनाई दे रही है, तो क्या ये बच्चों के कानों में जा रही है, क्या आपके कानों में नहीं आ रही है, या आपके कानों में ये आवाज आ रही है तो क्या बच्चों के कानों में नहीं आ रही है। सबको समान सुनाई दे रहा है, लेकिन अपने अपने स्तर पर जीव के अंदर के वही आधार पर हम आत्मसात कर पाते हैं। तो यहाँ बताया कि किन कम लिया, किन ज्यादा ले लिया, और ऐसी दौट लगाई कि पीछे आते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। देखो पीछे आते जो मोमिन, तो हम ऐसी दौट क्यों लगाए कि पीछे क्यों रह जाए। बाकी संसार की धन संपत्ति मिलकत में तो हमने कितनी होड़ मचा रखी है कि पड़ोसी के पास एक कार है तो हम 2 खरीद ले, पड़ोसी के इतने बड़े बिजनेस है हमारा क्यों ना बन जाए, हमारे घर में इतनी धन सामग्री है सब कुछ और चीज़ें हैं तो, और बहने के पास या कोई भी के पास इतना हो सुख सुविधा के साधन है तो हमारे पास क्यों ये ना हो। तो यहाँ संसार की चीज़ों में कैसी होड़ मची है, क्या हमारी अंदर आत्मा के अंदर कभी भी होड़ मची कि वो सुंदर साथ अभी बहुत पीछे से तारतम लिया है, लेकिन आज देखो कितने आगे बढ़ गए, इतने टाइम में, कम टाइम में इतनी लंबी जर्नी। कोई सुंदर साथ तो देखो छत्रसाल जी गुरु जी कहाँ से जुड़े, मऊ से तो जुड़े, सहानिया से तो मानो ना अंतिम पन्ना से जुड़े, तो अभी आगे दौट लगा दीने, बहुत गहरी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि जयराम भाई कंसारा दीव से जुड़ गए तो आगे हो गए, ऐसा नहीं है। यही तो हमारा प्रसंग है, हम सब बैठे हैं, देखो कितने सालों से तारतम ले लिया है, कितने सालों से यही वाणी पढ़ रहे हैं, यही चितवनी, यही ध्यान, जो हमारे अंदर बदलाव ना आए। सुंदर सा जी आत्म मंथन कीजिए, ये आखिर की घड़ी है बस, अभी तक तो बहुत सुंदर साथ के और मेरे से भी अच्छी अच्छी करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी जी तो ये हमारे गुरु जी जो भी है बहुत, मैं तो धूली भी नहीं हूँ किसी की, ऐसा नहीं है। राजी हर दिल से जगाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। क्या श्री जी ने जागनी यात्रा में कम प्रयास किए क्या, चर्चा चर्चा की अर्चा, तो भी वहां जाके कोई वापस नहीं आ गए घर पे। यही हमारी तो कहानी है, हम भी क्या करते हैं, 1 महीना यहाँ हम रुकेंगे सब, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं कोई यहाँ चर्चा का उपदेश नहीं दे रही हूँ, मैं भी आपकी बराबरी के हूँ, ठीक है। मान लो 1 महीना रुकेंगे यहाँ से, कुछ भी पाके बिना चले जाए, हमारे जीवन के अंदर थोड़ा भी बदलाव ना है तो आना भी व्यर्थ है हमारा, समझ में आया।
भले हम थोड़ा कुछ ले। राज जी ने बोला कि अर्धे लवे तेरो अर्थ सरे। क्या बोला? आधे लवे। इतना तो कह रहा है उस बुंढा राज जी ने, इतना मतलब कठोर शब्द बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने इसलिए इतनी लंबी बात ली कि सुंदर साथ जी अभी भागवत सुन रहे हैं, श्यामा जी को वाणी नहीं मिली है। तो श्यामा देवचंद्र जी को वाणी नहीं मिली। कितनी निष्ठा के साथ एक एक बात पर पीछे कुछ रहस्य है। कैसी गोपनीय बात है कि श्री कृष्ण जी के मंदिर में कांजी भट्ट के वहाँ निष्ठा बंद भागवत सुनने लगे। ये हमारे लिए एक शर्मजनक बात है कि हमने अभी तक क्या पाया। बड़े महाराज जी का किसी किसी को सानिध्य मिला होगा, ठीक है, चलो उसका सानिध्य नहीं मिला। अभी हमारे धाम दिल में तो है, उसकी कही जो लीला की है वो क्या हमारे पास अभी तक नहीं है? उसकी प्रेम का चांद, ठीक है, जो भी परमहंसों ने चल के दिखाया, जो भी ब्रह्मात्माओं के ने चल के दिखाया, वो सब बातें को हमको विदित है। ये सब बातों की जानकारी हमारे अंदर है, लेकिन देर वहाँ है कि हम बस बदलाव लाए, बस तड़पे इस धनी के लिए। बस जो देवचंद्र जी के अंदर जो तड़प जगी है, बस वही राह परम चलने के लिए हमारे अंदर एक बस ज्वाला प्रकट करे, बस एक चिंगारी लगाए, वो अपने आप अग्नि तो प्रज्वलित तो होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस राह पर निकले तो एक दिन अवश्य हम यात्रा में पहुंचेंगे। और आगे बताया कि निष्ठाबंद सुनने लगे। दूसरी चौपाई तो और हमारे लिए सिखापन देने के क्या बताया कि सुनने लगे और ऐसा एक प्रण बना लिया, ऐसा एक नियम बना लिया। कैसा? कि जब तक मैं अपनी आत्मा को आहार नहीं दूंगा, तब तक मैं शरीर को आहार नहीं दूंगा। ऐसा एक प्रण बना लिया, नियम बना लिया कि मेरी आत्मा को आहार मिलेगा तभी मैं अपनी शरीर को मैं आहार यहाँ का भोजन मैं तब दूंगा, क्योंकि ये शरीर तो एक भोजन रखने का पात्र है। वो तो बस हम खाते रहेंगे, क्या अभी तक किसी की तृष्णा पूरी हुई? क्या इच्छाएं पूर्ण हुई? आगे जयराम भाई कंसारा के प्रसंग में राज जी बताएंगे कि चचोड़ ठोर मुर्दार बताएंगे ना, वही प्रसंग के माध्यम से किसी के अब तक। और जितना ये विषय सुखों को भोगते जाएंगे ना सुंदर साथ जी, ठीक है, ये पात्र कभी भी भरेगा ही नहीं। जितना, हाँ ठीक है, जितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, जितना शरीर को चाहिए जितनी मात्रा में इतना देना भी चाहिए, लेकिन उस स्वाद के पीछे। और एक बात यही है कि जब तक, कई बार ऐसा है ना, सुबह को ध्यान नहीं हुआ तो भी हम जलपान शांति से कर लेते हैं, दोपहर का खाना भी खा लेते हैं। यही प्रसंग से इतना बोध लेना है, इतनी सीख लेनी है कि नहीं, आज मेरे ध्यान एकाग्रता से नहीं हो पाया, देखो कोई काम का विचार अंदर मन में उठा और मेरा पूरा ध्यान का आज पूरा ही व्यर्थ मतलब समय चला गया, तो तभी अपने को दंडित करो, अपने को सजा दो, अब आत्ममंथन करो कि आज मेरे दिल में ऐसा तो राज्य और मेरे बीच में कौन ऐसी बड़ी बाधाएं खड़ी हो गई, ऐसी कौन बड़ी सी माया खड़ी हो गई कि मेरे और राज्य के बीच में आ गई और धनी को आज मिलने ही नहीं दिया, धनी को आज मिलने ही नहीं दिया। तो यहाँ आत्मा का आहार, देखो एक हम नियम बना देंगे ने तो जीव को एक अभ्यास होता जाएगा, इंद्रियों को एक अभ्यास होता जाएगा, तो मन बार बार और चीजों में नहीं जाएगा। पहले मन के अंदर जो कल देखो ना, हरिदास जी का रोज ही कर्मकांड की भक्ति रहती थी, लेकिन एक ही दिन जब मूर्ति अदृश्य हुई तभी वही चिंतन में डूबे तो वही स्वरूप ने तो दर्शन दिया। तो हम रोज वही चिंतन करेंगे तो एक दिन हम भोग भोग का चिंतन करें तो भोगी ही बनेंगे। रोज रोग 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 जैसा चिंतन करें तो रोग नहीं है तो भी रोग आ जाएगा। योग 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 का करेंगे तो एक दिन योगी बनेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा अभ्यास होगा वैसे ही हम बनेंगे। आज जो जो
आत्माएं महान बनी है, अपने त्याग, अंदर की जो भी सांसारिक चीजों के प्रति का जो मोह, विषय वासनाओं के जूठे जो भोग, क्यों ये ऊपर उठकर ही बनी है। तो यहां देवचंद्र जी की जो निष्ठा है, और अंदर बताया, आगे बताया कि आत्मा को आहार दिए बिना मैं शरीर को भोजन नहीं दूंगा, और आगे बढ़े सुंदर साथ जी। तो ऐसी निष्ठा से हम चर्चा श्रवण करेंगे तो क्या राज्य की नजर हमारे पर नहीं बनी रहेगी? एक कांजी भट्ट की नजर देवचंद्र जी पर बन गई ना, कि जब तक वो चर्चा, ध्यान से, जब तक वो चर्चा में कई बार थोड़ा कुछ आगे पीछे भी हो जाता है तो आ ही जाते थे, रोज निष्ठा बंद ही आते थे, लेकिन कोई बार आगे पीछे हो जाते थे, थोड़ी कुछ देर हो जाती थी, तो क्या करते थे कांजी भट्ट? चर्चा प्रारंभ नहीं करते थे, और कई बार एक दो श्लोक आगे भी चर्चा का कोई विस्तार हो गया, कोई चर्चा सुना दी और पीछे से देवचंद्र जी आए, तो क्या करते थे कि ये चर्चा वो सुनते थे, लेकिन तब तक जब तक बैठे बैठे सुनते थे उसको अंदर चैन नहीं पड़ता था, शुद्धि नहीं, क्योंकि आगे एक दो श्लोक चले गए। तो घर पे जाके, किसके घर? कांजी भट्ट के घर पे जाके वहां भागवत खोल के फिर वो चर्चा को वो सुनते थे। तो कांजी भट्ट का भी एक अंदर से उसने भी एक विचार कर लिया, उसने भी एक अंदर से निश्चित कर लिया कि जब तक देवचंद्र जी ना आए तब तक मैं चर्चा प्रारंभ नहीं करूंगा। तो देवचंद्र जी आते थे तभी कांजी भट्ट चर्चा प्रारंभ करते थे, क्योंकि श्रोता भी कैसे थे? प्रथम स्तर के श्रोता थे, बेस्तते से तो बहुत से श्रीमंत चौधरी धनवान ऐसे कई साहूकार सेठ लोग बैठते थे, उससे तो और बहुत सालों से पुराने लोग थे, वीडियो से पुराने लोग से लोग थे, लेकिन वो तो एक फॉर्मोलिटी की बस चर्चा सुनते थे, तो उसके अंदर वो जो रस जाना चाहिए वो नहीं जाता था। तो वहाँ जो धनवान साहूकार सेठ आते थे उसको यही लगा, क्या क्यों कि हम बहुत साल से ये चर्चा सुन रहे, क्या अभी आजकल का देवचंद्र जी, अभी आजकल का देवचंद्र जी अभी तो थोड़े दिनों से तो आया है, तो वो इतना आगे और हम तो बहुत सालों से सुनते आ रहे, लेकिन कभी भी ये कांजी भट्ट ने ऐसी एकाग्रता के साथ और इतना वो अंदर एक दिल के भाव के साथ वो चर्चा उसको सुनाते हैं, और वो नहीं, जब आगे पीछे हो जाते तो घर जाके भी उसको सुनाते हैं, तो हमारे पास ऐसा व्यवहार क्यों कांजी भट्ट नहीं करते हैं? ये विचार किसके अंदर आया? तो यहाँ भी सुंदर साथ जी श्रोता के एक अलग अलग रोल हो गए ने। चलो हम समय स्वयं को अंदर जाके भीतर जाके पूछे कि हम भी सब, हमारी चर्चा बहुत टाइम से, हम कितने भंडारे, कितने कार्यक्रम, कैसे छोटी छोटे और शिविर है हमने अटेंड की होगी, ठीक है, तो उसमें हम भी ऐसा रोल तो प्ले नहीं करते हैं ना। हम अपने को पूछे, हम स्वयं अपने को पूछे, क्या ऐसा रोल हमने तो कभी प्ले नहीं किया ने, हमारी तो कहीं गलती, क्योंकि हम भी सुनते हैं तो कोई किसी पर मतलब ये क्यों नज़र है राज्य की, और हमारे पर राज्य की ये नज़र क्यों नहीं बनी है? मान लो जागनी यात्रा में इतने सुंदर साथ चले, श्री जी की नज़र लालदासी, मुकुंददासी, शेख बदल, गोवर्धन भाई, छत्रसाल, ये सबके पर, केशवदासी, ये सबके पर बस पूरी नज़र ही बनी रहती थी, अष्टपहर एक क्षण भी उसके सानिध्य से अलग नहीं रहते थे, थोड़ी सेवा के लिए बाहर जाते थे तो भी श्री जी को चैन नहीं पड़ता था कि कहाँ चले गए, उसकी नज़र तो वैसे वहाँ भी पहुँच जाती थी, लेकिन क्यों प्रमुख प्रमुख सुंदर साथ पर धनी की नज़र बनी रहती थी, श्री जी की नज़र बनी रहती थी? क्योंकि उसने इतना परिश्रम करके, प्रयास करके, अपने अंदर की पवित्रता बना के जो जैसा बाहर है वैसा ही वो
अंदर है, जैसा बाहर हुए वही वैसा अंदर है। और जो सत्य बात बताया ने कि साचा रे साहेब साँच सो पाइए, साँच को साँच है प्यारा। तो सत्य साहेब मतलब राजी, सत्य को पाना है तो हमारा दिल भी कैसा होना चाहिए? सत्य पवित्र निर्मल होना चाहिए। जो जीव का दिल निर्मल नहीं होगा तो ये काम नहीं बनेगा। यह धनवान सेठ साहूकार लोगों के अंदर ये क्या अग्नि, ये घृणा, एक क्रोध की अग्नि अंदर ज्वाला प्रगटने लगी, धधकने लगी। उसको ऐसा लगा कि भाई आजकल का देवचंद्र जी के साथ ये कांजी भटका तो कहीं उल्टा मतलब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि उल्टो उसको तो बस झगड़ा ही करना था। वो निशान है ना, सात निशान, उसमें पहाड़ी बैल का निशान है, ठीक है। वो एक जंगल में वनों में एक पहाड़ी बैल रहता है। वो पहाड़ी बैल को दिन को जगड़ने के लिए कई जगह ये ढूंढते रहते हैं, लेकिन सामने कोई प्राणी कोई पशु नहीं मिलता ने, तो अंतिम शाम को भी एक पेड़ की जो वो जड़ होती उसके साथ अपने सिंह को जब तक खुजलाता नहीं, वहाँ जब तक वो अथड़ाता नहीं, तब तक उसको चैन पड़ता नहीं। तो ऐसे झगड़ालू लोग, और देखो क्रोध, ध्यान से ये बात सब हमारी है, किसी की नहीं है। हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? वो लोग तो बहुत सालों से सुन रहे थे, तो हमारे बीच से आज यहाँ बैठे और सुंदर साथ भी वीडियो से सुनेंगे, ठीक है, और सुन रहे हैं, वो भी अपने दिल में अपना आत्मा मंथन करे कि हम 40 साल से ये चर्चा की जर्नी में है, सुनने की जर्नी में है, तो हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम भी आपस में और सुंदर साथ कोई आगे है, ठीक है, कोई सेवा में, कोई भी तन मन धन की सेवा में आगे, तो हमारी अंदर एक शीतलता बनी रहनी चाहिए, एक ठंडक बनी रहनी चाहिए। हम दूसरे सुंदर साथ के प्रति घृणा क्यों करें? हमारा कोई अधिकार नहीं है, और न्याय करने का भी हमारा अधिकार नहीं है, ये तो राज्य करेंगे। बस हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य इतना ही बनता है कि बस सबको हम प्रेम करें और सबको प्रेम की दृष्टि से देखें। जो गीता ऐसा संदेश देती है कि ईश्वर सर्वभूताना हृदय तृष्ठन्ति अर्जुन, हे अर्जुन सभी प्राणी सबके अंदर, कुत्ते गाय सबके अंदर तू एक ही आत्म तत्व को देख, ठीक है। तो राज्य की वाणी क्या सिखा रही है? तो सबके प्रति हम प्रेम करें, तो हमारे अंदर मान लो कि किसी किसी को राज्य ने महान शोभा दे दी, तो हमारे अंदर धुना नहीं होनी चाहिए, पैदा नहीं होनी चाहिए, उसको प्रेम करो। क्योंकि जो हम धुना पैदा करेंगे, तो शास्त्र में बताया कि क्रोध क्या चीज है, तो कि क्रोध एक नरक का, क्रोध एक नरक का द्वार है। क्रोध से क्या नुकसान होता है? तो बताया कि क्रोध से हमारे अंदर की जो खूबियाँ बनी है ना, जो राज्य ने धन संपत्ति कई आध्यात्मिक धन संपत्ति, आज देवचंद्र जी भी वहाँ भी भुज में भी चर्चा तो सुन ही रहे थे, लेकिन और आध्यात्मिक ज्ञान की अधिक और जिज्ञासा उसके अंदर जगी कि मैं और रस को प्राप्त करूँ और आगे का ज्ञान प्राप्त करूँ। तो हमारे अंदर ये रोज ये बात होनी चाहिए, ये विचार होना ही चाहिए कि ठीक है मैं आज जर्नी में यहाँ हूँ, कल मेरे को और आगे बढ़ना है। पीछे आते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, तो आज देवचंद्र जी देखो खोज से निकले, आज एक एक कदम पर आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। आज कहाँ पहुँचे? अभी अंतिम परीक्षा की घड़ी आ जाएगी आज, तब राज्य मेहर करेंगे। हम क्या करते हैं? मैं कल भी परसों भी बताया था कि कोई मेहर सागर का पाठ करके हमारे पर राज्य मेहर भरी दृष्टि कर दे, क्या राज्य ऐसे थोड़ी बुद्धू है कि हम मेहर सागर का 5 बार या 21 बार पाठ कर ले और राज्य मेहर भरी दृष्टि कर दे। एक चौपाई में बताया ने कि जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मतलब आप तहाँ नजर, जब हम उसकी बराबरी के कुछ गुण, ध्यान से उसकी बराबरी के कुछ गुण मात्म साथ करेंगे, मान लो वाणी है, मैं कल बताया था ना, उससे एक अलग प्रसंग से समझाऊं कि हम राज्य का ध्यान करेंगे तो राज्य के गुण तो हमारे अंदर आएंगे, लेकिन हम रावण का ध्यान करेंगे तो, दुर्योधन का ध्यान करेंगे तो, राक्षस का, किसी भी का,
ठीक है, तो हमारे अंदर वही गुण आएंगे। वैसे ये ध्यान करने की बात नहीं, मतलब हम अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। ऐसे खराब बुरी आदतों वाले के लोगों के साथ बैठेंगे रहेंगे, उसके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारे अंदर कोई कोई तो बुराइयाँ आई जाएगी। तो सुंदर साथ जी, मेरा कहने का भाव कि हमारे अंदर की जो खूबियाँ है, जो प्रतिभाएं है, वो नाश मतलब वो समाप्त हो जाएगी जो क्रोध करेंगे तो। और ब्रह्मात्मा तो कैसी होती है, उसकी रहनी कैसी, वो रहवे निर्गुण, बोलिए आप, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभी न दुखावे। किन वो कैसी होती है, सुंदर साथ को तो नहीं, अरे सपने में जीवों को भी नहीं दुख दे सकती, क्योंकि इसलिए कि ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन होए। वो कैसा मानेगी कि पता नहीं इस ब्रह्मांड में कोई जीवों के अंदर विरली आत्मा बैठी है, मैं कैसे दुख दूं, मेरा अधिकार ही नहीं है किसी को दुख देने का, क्योंकि जो हमारे वेद जैसे धर्म ग्रंथ ये संदेश देते हैं कि सत्यम प्रियम हितम च, सत्यम ब्रुहातु प्रिय, ठीक है। वो कैसा संसार के जीवों के लिए संदेश दिया कि वो कैसे होते हैं कि वो सत्य बोले, प्रिय बोले और हितकारी बोले, वो कभी भी किसी के दिल को पीड़ा पहुंचे। ये किसकी चर्चा चल रही है सुंदर साथ जी, क्या कांजी भट्ट और देवचंद्र जी की, किसकी है दीदी, हमारी चर्चा है, क्योंकि ब्रह्मात्मा का दावा हमने लिया है। रहवे निर्गुण होई के आहार भी निर्गुण, वो सत्य बोलेगी प्रिय और किसी के दिल को पीड़ा ना पहुंचे, वो कटु वचन कभी भी सपने भी में ना सोचे। और मान लो कि दिन का जो भी हमारा विचार किसी के प्रति, हम यहाँ बैठे बैठे भी कई बार दूसरे लोगों को मार देते हैं, कोई थोड़ी अमृतसर की बॉर्डर पे जाना पड़ता है, वाघा बॉर्डर पे, यहाँ बैठे बैठे मन से मार देते हैं। देखो दावा तो ब्रह्मा तुम्हारा का लिया है, मार देते ना, कोई हमारे अंदर किसी को रास्ते में बाधाएं डाली तो यहाँ बैठे बैठे उसके प्रति हम अंदर से ऐसे ही दुश्मना एक हो, ऐसे सोचने लगते हैं। ब्रह्मात्मा के अंदर तो सपने में भी, जागृतता में नहीं, ये विचार भी नहीं होने चाहिए। देखो ये लोगों का क्या हाल होगा, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने अभी बोला कि उसके अंदर की जो खूबियां है, प्रतिभाएं है, वो जो अखंड धन प्राप्त करना था वो तो व्यर्थ चला गया ने, प्राप्त ही नहीं कर पाए। तो हम भी कई सालों से सुनते आ रहे, हमारे अंदर क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों हम की राह पर नहीं चल रहे, इस राह का हम अनुसरण नहीं कर रहे, इस मार्ग का हम अवलंबन नहीं कर रहे। और साफ दिल सुहागनी, उसका दिल इतना पवित्र होता है ब्रह्मात्मा का कि अरिस के सामने हम देखेंगे ने, मिट्टी जमी हो तो पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, थोड़ी मिट्टी हटा दो तो हमारे अंदर बहुत सी मिट्टी जमी है ना, इसलिए हम असल को नहीं देख पा रहे। तो जैसे देखेंगे ना तो एक छोटा सा काला दाग भी उसमें दिखाई देगा। तो हृदय एक दर्पण जैसा होना चाहिए, सुहागनी का हृदय कैसा होना चाहिए, पर सुंदर साथ का हृदय एक दर्पण जैसा। पता नहीं कौन कितना आत्मसात करता है, हम तो एक छोटे या दलित या नीची जाति के लोग मान के उसी की ओर हम ध्यान भी नहीं देते। मैं बताऊं बंगलाजी दरबार में, कोई बात नहीं तभी ये चर्चा फिर राज जी अलग रूप से बताएंगे। सब बैठे थे ठीक है, आगे छत्रसाल जी बैठते थे, सब अमीरुल मोमिन बैठते थे, धर्मा डोकरी कहाँ बैठती थी, पीछे। धर्मा डोकरी जो वृद्ध महिला थी कहाँ बैठती थी, क्या श्री जी की नज़र छत्रसाल या आगे मोमिनों पर थी, क्या धर्मा डोकरी पर भी थी, गरीब घर थी ना, पूरा दिन जंगल में लकड़ी काटती थी, उससे उसका गुजरान चलता था, उसमें कोई चना या फुलका रोटी लाती थी ना, तो श्री जी ने वहाँ से उठाया या नहीं उठाया, क्या जाति देखी, बहुत गहरी बात है, क्या कोई भेद श्री जी ने देखा,
ऐसा मत मानो कि दीदी कोई बड़ी जाति की है या बड़ी धनवान है या बड़ी घर की है। अरे भाई राज्य तो सबके लिए है, या यहाँ बैठे में उच्च नीच का कोई भेद कर ले कि बहुत बड़े लोग है, बड़े घर के साहूकार है या छोटे, क्या राज्य बड़े साहूकार और छोटे घर के, बड़े साहूकार के लिए आए क्या, छोटे घर के लिए नहीं आए? तो सुख शीतल करो संसार, राज्य तो सबके लिए बताया ना, सुर असुरों का सबे पति, सबे पर एक है दया, राज्य तो सबके लिए है। ये लोगों ने यही तो गर्व लिया कि हम तो साहूकार सेठ, देखो हमने मंदिर बनाने में या कांजी भट्ट की कई कई सेवा जो चलती थी मंदिर को लेकर, ये ट्रस्ट हो गए शायद, वहाँ भी तभी ट्रस्ट चलता होगा, तो शायद जो बहुत क्रोध करते होंगे ना वो लोगों के नाम पे रजिस्ट्री कुछ मतलब किया होगा, तो वो लोगों ने ज़्यादा क्रोध अंदर से वो किया। हम बस एक ऐसी बात करते, ऐसा कुछ नहीं, राज जी जाने वो बात को, तो मतलब सुंदर सा जी 5:45 क्या करूं, और भी बातें बहुत सी समझानी होती, लेकिन यहाँ राज जी और हमें आगे बढ़े कि लोगों के अंदर एक अग्नि की ज्वाला भड़कने लगी। और क्या बोला, क्योंकि अंदर अग्नि होती, ध्यान से, अंदर गंदगी होती तो स्मेल आती या बदबू आती, मतलब सुगंधी आती या बदबू आती। बच्चों कहीं गंदगी होती वहां से हम पास होते तो वहां से सुगंध आती या बदबू आती? बदबू आती ना, नाली के पास से हम गुजरे कोई तो बदबू आएगी ना, सुगंध नहीं आएगी ना। और कोई बगीचे फूल के लगे वहां से पास हो गए तो क्या आएगा, स्मेल, सुगंध आएगी ना, सुंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर ही गंदगी भरी है तो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, तो अंदर क्या भरना चाहिए? देखो मैं पूरा दिन बहुत कुछ भरते रहते और रात को क्या बोलते, अरस तुम्हारा, अरस तुम्हारा, हम उसके बाद रहने दो उसी पे, महा श्रीमंत चौधरी हम बन के तो बैठे हैं, धनवान लोग हम बन के तो बैठे हैं, इसलिए तो अभी तक राज्य नहीं मिले, ठीक है। बस सब बातों को हमको दंडित करो तभी तो ये जीव सुधरेगा। तो उसी के अंदर मान लो हम भी सुबह से ये शाम तक पूरी गंदगी भरते रहे और रात को राज्य को या धाम दिल बना के बैठाने के लिए चाहे तो राज्य, मान लो आप गद्दे पर बैठे, प्रैक्टिकल करके बताओ, आप गद्दे पर बैठे हो, क्या यहाँ कोई कीचड़ हो, ठीक है, नाली वाली कोई गंदगी फैली हुई हो, तो आपको मैं बोलूँ या कोई भी हमारे गुरुजी या सुंदर साथ बोले कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि दीदी पागल तो नहीं हो गई ने, इतनी गंदगियाँ फैली उस पर बैठने के लिए मेरे को बोल रही है। सुंदर सा जी बाहर तो बहुत पवित्रता की, बाहर बहुत शुद्धता की, कल मैंने गाया था ने, अंदर नाही निर्मल फिर फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर तो ये ना मिलो करतार। ऐसा ही हमारा हाल है। तो सोचिए हम इस गद्दे को भी यहां बैठेंगे ना तो भी झाड़ के बैठेंगे कि कोई कुछ या कुछ चीजें तो नहीं पड़ी है ना, तो यहां किसको बिठाना है, राज्य को। तो कितना पवित्र हृदय होना चाहिए, कितना हृदय निर्मल होना चाहिए। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन मीना सब नरक है। भजन मतलब ताली नाचना कूदना, ये भजन नहीं जो फिल्मी धुनों पर चलता है, वो नहीं। भजन मतलब रात दिन बस हमारे अंदर एक आह, एक टेस, बस राज्य की जुदागी में पूरा दिन, बस उसका चिंतन, बस उसका स्वाध्याय, बस वाणी पठन, बस ध्यान, बस काम करते अति घने पर खीण न छोड़े ने है। रात दिन बस वही, एक अर्जुन, एक स्वर्ग के अधिकारी जो द्वारिका में अपने कक्ष में
जब श्री कृष्ण जी वहाँ प्रवेश करते हैं तो अपने उसके कक्ष में जब पहुँचते हैं तो सोते हुए अर्जुन के हृदय से क्या आवाज आ रही है? कृष्ण 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 आ रही है ना हमारे अंदर जागृतता में। पता नहीं कोई पूछे ना कि तुम कहाँ से आई, तो हम बोलेंगे राजकोट से। कभी बोला हम परमधाम से? नहीं नहीं बोला ना कभी भी हमने कि हम परमधाम से है। हम बहुत तो अबोहर का बहुत मतलब पंजाब बोलेंगे पहले, तो फिर अबोहर, फिर फाजिलका, गुजरात राजकोट या जो भी अलग अलग, ठीक है दीदी शायद शेरपुर बोलेगी, लेकिन कभी भी आया? हम सब एक ही घर से है, हम परमधाम से आए, हमारा मूल घर वहाँ है। क्योंकि हमारे अंदर बना हुआ है तो वही तो बोलेंगे हम, जो बना है वही तो बाहर आएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना, यहाँ से सच बोल रही हूं ने? तो अंदर क्या बना है पूरा दिन? बस वही चिंतन। तो यहां उस दिल से क्या निकला श्रीमंत चौधरी के दिल से कि अरे देवचंद्र जी के साथ है कांची भट्ट, आपका कोई धंधा कोई व्यवहार चल रहा है क्या? उसी के पास से आपको धन संपत्ति मिल रही है क्या? इतना प्रिय आपको बन चुका है इतने समय में। तब कांजी भाई ने बोला कि नहीं, अरे आप ऐसी कैसी बात करते हो, उल्टी बात कर रहे हो आप। नहीं वो तो बेचारा गरीब घर का है देवचंद्र, तो ये तो अभी अभी भूज से आया, बेचारे का छोटा सा घर बसाया है, उसमें पास कोई धन संपत्तियां मिलकर नहीं है। साहूकार बड़े बड़े श्रेष्ठ चौधरी ऐसे मतलब धनवान रिच तो आप हो, और जो भी सुविधा में आपकी तो सेवा आती रहती है। तो फिर आगे बोले कि नहीं, कांजी भट्ट बोले कि मैं तो अपने आराध्य को रिझाने के लिए उसकी एक निष्ठा के साथ प्रेम के साथ मैं सेवा करता हूँ, मेरे आत्म कल्याण के लिए करता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है, कोई कमाने की कोई आशा नहीं है, और वहाँ से मेरे को धन संपत्ति आ जाए और मेरा घर बहुत ठीक ठाक चले, ऐसा मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई भी विचार भी नहीं है। तो जब ये जवाब दिया तो बोले कि तो देवचंद्र जी आए, तभी चर्चा शुरू करते, तो बोले उसकी निष्ठा देखो आप। मैं कई बार आज कितने सालों से चर्चा करता आ रहा हूं कि आपने कभी भी पूछा कि भट्ट जी आप एक दो श्लोक, मैं कई बार आगे बढ़ जाता, कई बार कहना भी भूल जाता, चर्चा करना भी भूल जाता, तो आपने कभी भी प्रश्न किया? तभी वो लोग तो मौन हो गए, क्योंकि हमारे अंदर ये विचार, इतनी ऊंची बुद्धि, इतना उच्च विचार, हमारे अंदर योग्यता बनी भी नहीं है, तो हम कैसे प्रश्न करेंगे? प्रश्न तो उसी के दिल में आएगा जो अंदर डूबे हैं, जो सागर की गहराइयों में गए हैं, उसको पता कि मोती क्या चीज है, उसको पता लगेगा कि प्रश्न कब उठेंगे कि भाई नीचे तो मोती है, ऊपर और भी जड़चर प्राणी है, कोई झींगा कोई कछुआ कोई भी मछली, तो वही तो बता पाएंगे, कैसे प्रश्न अंदर से उठेगा। तो यहां बोले कि देवचंद्र जी वो गहराइयों में जाते हैं, उसके दिल में प्रश्न भी उठते हैं, तो मैं उसी की निष्ठा को देखकर, उसी के भाव को देखकर मैं यही चर्चा करता हूं। तो उसी के अंदर बहुत और आग भड़कने लगी और धधकने लगी, लेकिन वहां तो शांति से अपने घर चले गए, वहाँ कोई विचार नहीं उठे उसके अंदर, क्योंकि अज्ञानता भरी हुई थी ना, उसी के दिल ही इतना मतलब वो अपवित्र था, अज्ञानी था, अवगुण विकार से भरे हुए थे। क्योंकि जो लोग क्रोध करेंगे उसी के अंदर कभी भी अच्छी चीजें नहीं रहेगी। तो वो घर पे गए और फिर आके वैसे ही बहाने, और जिसको अवगुण निकालना है ना दूसरे के अंदर से, उसके पास 100 बहाने मिल जाते हैं। मैंने बोला ना शाम तक कोई झगड़ने को नहीं मिलता, तो पड़ोसी के साथ झगड़ लेते हैं, लेकिन झगड़ते तो है ही।
तो यहां भी बताया कि शाम को और यहां कांजीभट्ट को, कांजीभट्ट ने क्या बताया कि भाई देवचंद्र जी के अंदर इतनी वो जो निष्ठा है वही देखकर वो आगे पीछे हो जाते तो मैं घर पे आते। यहाँ भी कई बार श्लोक खोला के वो चर्चा करवाते हैं, आपके अंदर तो मैं कभी भी ऐसी निष्ठा देखी भी नहीं है और कितने सालों से आप सुनते आ रहे हो, तो उसके पास कोई जवाब उत्तर नहीं था, सब मौन हो गए, घर गए, लेकिन घर से आके फिर आग भी लेके आए, क्योंकि जिसके अंदर आग लगी हो और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है कि चलो उसके अंदर से और कोई बहाने ढूंढे, तो जो रोज खोज करते रहते ने तो उसके अंदर से एक दिन एक अवसर उसको खड़ा हो गया कि भाई आज देवचंद्र जी को कैसे नतमस्तक करे, कैसे उसको नीचे गिराए, एक बहाना मिल गया कि देवचंद्र जी 11 को भरपेट भोजन करते थे और 12 को उपवास रखते थे, और वो लोग क्या करते थे, वो 11 को उपवास रखते थे और 12 को व्यासी का जो भंडारा होता था तभी भरपेट सब मिलकर भोजन करते थे। तो उसको वो उसने एक बहाना मिल गया, छिद्र मिल गया, क्योंकि वो छिद्र गोदते थे ना, उसने बोला कि देखो क्योंकि अभी देवचंद्र जी आए नहीं थे, वो कांजीभट्ट के पास बैठ के वो यही बात सब मिलकर आए, बोले कि चलो आज एक बहाना मिल गया है तो हम सब साथ में जाए और एक ही स्वर में बोले कि देखो देवचंद्र जी ऐसा काम उल्टा करते हैं कि जो भागवत शास्त्र और धर्म ग्रंथ के हिसाब से, वैसे तो एकादशी का भागवत शास्त्र की लेकर यहाँ बात बताई, लेकिन ये बात नारद पंचरात्र की एकादशी की जो बात है वो तो यहाँ बताया कि भागवत के अनुसार हे भट्ट जी आप रोज कथा करते हो तो हम सबके लिए एक ही नियम लागू होते हैं, तो भागवत का एक ही सिद्धांत होना चाहिए। तो देखो हमारे और देवचंद्र जी के बीच में इतना जो एक भागवत के सिद्धांत में इतना क्यों टकराव है, मतलब इतना क्यों भेद है, ये तो धर्म के विरुद्ध का आचरण हुआ, सबका समान होना चाहिए क्योंकि भागवत तो एक ही समान सबको उपदेश दे रही है, तो आप हमको यही जवाब दीजिए। तब कांजीभट्ट ने सबको बोला कि आप थोड़ा शांति से बैठिए, मेरी बात को समझिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि देवचंद्र जी जो कर रहा है ने वो सोच समझ कर ही करते होंगे, आने दो मैं आएगा तो मैं बात पूछ लूँ उसको, फिर बाद में आपको जवाब देता हूँ। तो जब इतनी बात चल रही थी तब देवचंद्र जी वहाँ पहुँच गए और आके सीधा ही कांजीभट्ट ने बोला, क्या बोला कि हे देवचंद्र जी ये सबका कहना है कि तुम एकादशी को भरपेट भोजन करते हो और द्वादशी को क्या करते हो उपवास रखते हो, तो बताया कि हाँ, उसने सीधा सपाट उतर दिया, क्योंकि जिसके अंदर अध्यात्म ज्ञान की जो अनुभूतियां और पवित्रता और सत्य भरा हुआ है ने वो कभी भी नहीं डरेगा, जिसके अंदर पाप ही पाप गुना ही गुना, तो पाप तो एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। तो मैं एक ही बात उस प्रसंग से आपको बताना चाहती हूँ कि सुंदर सा जी हम किसी से ना डरे, एक सिर्फ राज्य से डरे, कैसे डरे ये भी राज्य से डरने की बात नहीं कह रही हूँ, मतलब झूठ से डरे, असत्य से डरे, गुना अपराध से डरे कि राज्य मेरे को पल पल दिख रहे हैं और कोई ना दिखे तो कोई बात नहीं, हम क्या मानते चलो मैं कमरे में हूं ने मेरे को थोड़ी राज्य दिख रहे हैं, सेवा पूजा करके मैं इस कमरे से तो निकल गई, मैं दूसरे कमरे में अभी बैठी हूँ और काम कर, तो राज्य थोड़ी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अभी बताए ना जहाँ आप तहाँ नजर, और नजर से न काढ़ी मुझे अबल से आज दिन, ठीक है, और महामति कहे मोमिनो ये जो दमदम बर्तन, तो राज्य की नजर हर पल हर क्षण हमारे पर है, हम कदाचित वो गुफा में जाके भी गुनाह कर लेने को ऐसा ही काम कर लेने तो राज्य की नजर तो तन की मन की सब जानते हैं। यहां कांजीभट्ट ने क्या बताया,
कि मेरे को विश्वास है वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो देवचंद्र जी ने सीधा सपाट, क्योंकि वो अंदर से सत्य थे, पवित्र थे, कि हाँ गुरु जी मैं ऐसा ही, भट्ट जी मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं अग्यारस को भरपेट भोजन कर लेता हूँ, क्योंकि अग्यारस को सबने उपवास रखी है। जो श्रीमंत चौधरी बैठे हैं ना, तो घर में कोई कामकाज होता, क्योंकि रसोई बनानी होती तब तो काम रहता, उपवास है तो कोई काम नहीं है। तो तुम ढाई तीन तीन घंटे चर्चा सुनाते हो, और आज हमारी भी 6:45 बजे तक चलेगी, बोलो श्री प्राणनाथ, क्योंकि रोज देर हो जाती है ना शुरू होते होते। तो यहां बताया कि तुम, ये देवचंद्र जी ने बताया कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूं, और कांजी भट्ट ने, देवचंद्र जी ने बताया तो कि भाई तभी उसी टाइम देवचंद्र जी ने कांजी भट्ट को बोला कि उसी टाइम मैं इसलिए शरीर को आहार देता हूँ कि भाई उसी दिन आपने 2.5-3 घंटे तक चर्चा सुनाई तो मेरे आत्मा को आहार मिल गया, इसलिए मैं शरीर को भी भोजन दे देता हूँ। लेकिन बारस को आप चर्चा नहीं करते हो, सिर्फ खाने पीने में ही लगा देते हो आपका समय भंडारा के रूप में, तो कुछ मेरे को आत्मा को आहार नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ उसी दिन मैं उपवास करता हूँ। तो यहाँ अग्यारस की सुंदर साथ जी नारद पंचरात्र में स्वयं एकादशी कहती है, अग्यारस का जो उपवास करते हैं लोग, ये राधावल्लभी मार्ग संप्रदाय में और भी प्रवाही लोग करते हैं ग्यारस का उपवास। तो उपवास और व्रत का मैंने कल समझा दिया था कि उपवास शरीर की शुद्धि के लिए होना चाहिए, और व्रत एक दृढ़ निश्चय करके जो लक्ष्य को हम पाना चाहता है चाहते हैं उसके लिए जो हम एक संकल्प करते उसको कहते हैं उपवास। यहाँ एकादशी की जो बात बताई है भागवत के 9वें स्कंद के 4वें अध्याय में अम्बरीश राजा की एक कथा है। अम्बरीश राजा 11 के दिन एकादशी का व्रत करते हैं और उसी दिन पूरा दिन उपवास रखते हैं। ये लोगों ने उपवास और व्रत को एक ही समझ लिया है ना, पहचान नहीं है। तो जब तो उसी दिन जब उसका व्रत रहता है तो तभी उसी दिन वो उपवास करते हैं, और पूरा दिन बीत जाता है, और शाम को वहाँ दुर्वासा ने, शाम को दुर्वासा ऋषि वहाँ आ जाते हैं, और वो क्रोध के स्वरूप है। तो आ जाते और अम्बरीश को बोल के जाते हैं कि ऋषि मुनियों को तो नहाने की स्नान आदि की आदतें होती है कि भाई मैं अभी नदी से स्नान करके आ रहा हूँ, हम साथ में उपवास छोड़ेंगे, पाना छोड़ेंगे, एक साथ ही भोजन करेंगे। तो अम्बरीश बोले हाँ, अम्बरीश राजा ने बोला हाँ, लेकिन हुआ क्या, वो शाम से संध्या ढलने लगी, सूर्यास्त होने का समय हो गया, और अम्बरीश राजा का एक नियम था कि 11 के दिन वो सूर्यास्त के बाद उपवास नहीं छोड़ते, पारणा नहीं छोड़ते। तो वो जो नहाने के लिए दुर्वासा गए थे वो वापस उसी टाइम लौट नहीं पाए, तो उसने क्या कर लिया, अम्बरीश राजा ने अपना पारणा छोड़ के खाना खा लिया। इतनी देर में कौन आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए, और वो तो क्रोध के स्वरूप थे, आके पता लगा कि उसने खाना खा लिया है तो सीधे उस पर बरसने लगे, क्रोध के स्वरूप थे। तो उसी टाइम विष्णु भगवान ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया, वो उसके पीछे लग गए, और इतना ही नहीं सुंदर सादी एक सुदर्शन चक्र भेज दिया। एक पौराणिक कथा है लेकिन इसमें बताई है तो मैं भी बता देती हूँ। और क्या बोला कि भाई ये अम्बरीश से वो जो निष्ठा से उपवास का वो व्रत का पूजन पालन कर रहे हैं, और तू उसको क्यों परेशान, मतलब दुर्वासा मुनि को बोला कि तू उसको क्यों परेशान कर रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि के पीछे कात्यानी राक्षसी को वहाँ ही मतलब नाश कर दिया उसको, और जो सुदर्शन चक्र था वो दुर्वासा मुनि के पीछे ही पीछे भागता जा रहा है, दुर्वासा मुनि आगे जा रहे हैं, और एक जाए सीधे गए विष्णु भगवान के पास। वहाँ जाके क्षमा मांगी दुर्वासा मुनि ने कि मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचाओ,
तब विष्णु भगवान ने बोला कि मैं नहीं बचा पाता, तुम जाओ अम्बरीश के चरणों में आप प्रणाम करो और क्षमा मांगो। तो वहाँ से सुदर्शन चक्र के साथ दुर्वासा मुनि अम्बरीश राजा के पास आए और वहाँ जाके क्षमा मांगी और बोला कि मेरे से ऐसे ही काम हो गए, एक जो नियम के विरुद्ध का, ये मेरे से नहीं होना चाहिए, ऐसे करके प्रणाम किया। लेकिन सुंदर सा जी, ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन नारद पंचरात्र में एकादशी स्वयं अपने मुख से कहती है कि जो भी यहाँ कोई व्रत तीर्थ स्थानों में जाना, यम नियम पूजा दान दक्षिणा जो भी कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, वो सब कुछ करने के बाद भी एकादशी बोलती है कि एक दिन तो समय जाने के बाद एक दिन तो उसी को परब्रह्म के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व बताया उसमें कि परब्रह्म का प्रसाद जब लेंगे तभी उसको शांति प्राप्त होगी, क्योंकि एकादशी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं जितना भी कर लूँ लेकिन इतना जो मैं बताया यम नियम आसन जो भी तीर्थ यज्ञ पूजा उसका करोड़वा मतलब वो कर्मकांड करोड़वा कर लो, करोड़ जितना कर लो लेकिन उसकी बराबरी परब्रह्म के प्रसाद के एक कण के समान वो नहीं है, क्योंकि परब्रह्म के प्रसाद का एक कणिका उससे उत्तम है, ये एकादशी ने स्वयं बोला है। और आगे जाके ये भी बोला कि ब्राह्मण लोग, क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंची थी ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में जो चार वर्ग कहे गए हैं, तो बोले कि ब्राह्मण लोगों को तो रोज ही परब्रह्म को भोग लगा के प्रसाद लेना चाहिए और लोगों को भी। वैसे ये नारद पंचरात्र की बात है, तो यहाँ एकादशी ने स्वयं अपने मुख से कहा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ भी एकादशी की जब बात आई तो यहाँ आगे मैं प्रसंग को और पूर्ण करूँ कि एकादशी का महत्व यही है। तब देवचंद्र जी ने ये बताया कि मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता इसलिए मैं भोजन नहीं देता हूँ। तो कानजी भट्ट ने बोला कि धनवान सेठ लोगों उसका जवाब दे दो, तब उसी के पास कोई जवाब नहीं थे, सब मौन हो गए। उसने बोला कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद यहाँ बताया कि पारब्रह्म रस का यही ग्रंथ श्री भागवत ये सुन के तुम स्वर्ग का साधन करत, मतलब जो भागवत है, या क्या बताया कांजी भट्ट ने कि जो भागवत ग्रंथ है उसके अंदर दसवें स्कंद में 90 अध्याय है, उसमें जो 30 व्रज लीला में जो बाल मुकुंद की लीला हुई 11 साल और 12 दिन की, उसमें जो अखंड ब्रज रास का पंच अध्याय में रास का जो वर्णन है वो अखंड बेहद का वर्णन है, ये रस को छोड़ के तुम बेहद का सुख वो उससे भी परे जो रास का सुख है, क्या ब्रज से परे जो रास का सुख है ये छोड़ के तुम एकादशी जैसे व्रत करके सिर्फ स्वर्ग और वैकुंठ का साधन प्राप्त करते हो तो ये आपकी कहाँ की रीति है। तो यहाँ बताया और आगे जाके कि आप ये प्रसंग में अंतिम पूर्ण करने के टाइम कि देवचंद्र जी का ये उत्तर को देखो, तब सब मौन हो गए और देवचंद्र जी की जो ये कसनी की और खोज की जो आगे का घटनाक्रम है उसमें हम आगे बढ़े। तो जो ये चर्चा सुनते सुनते सुंदर साची 14 साल अभी हुआ नहीं, आगे के प्रकरण में आएंगे, 14 साल व्यतीत हो जाएंगे और उस पर राज्य की कैसी विशेष कृपा होती है, कैसी विशेष मेहर होती है और धामधनी ब्रह्म सृष्टियों पर कैसी नजर डाल के पल पल अपनी छत्र छाया में अपने चरणों में रखते हैं। और ये जो प्रसंग है ये घटनाक्रम है ये राज्य हमको आगे बता रहे। ये 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुनने के बाद नौतनपुरी का एक घटनाक्रम यहाँ पूर्ण हुआ और दूसरे घटनाक्रम में हम पहुँच रहे। तो भागवत श्रवण के बाद
जो दर्शन होता है, ये दर्शन कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का। दो तो हो गया ने, पहले सिपाही के वेश में, ठीक है, और दूसरा बाल मुकुंद के रूप में, अखंड ब्रज के स्वरूप में राज्य के आवेश के साथ। और तीसरे दर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो चौपाई बताई। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक जो महिर सयन पर करी सुभान लोहक, तो यहां बताया कि सुंदर साथ जी देवचंद्र जी। तो यहां सिर्फ देवचंद्र जी की बात ही, हम सब की बात है, ध्यान से सुना इस प्रसंग को, कि देवचंद्र जी के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी उस पर कैसे कृपा करते हैं, उसके अंदर बैठी हुई श्यामा जी उस पर कैसी मेहर होती है, और कितने कसनी के बाद, बताया ना मैं परसों चौपाई बताई थी कि कई कसनी कसी अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग। तो कसौटी की अब आखिरी घड़ी की ओर हम जा रहे हैं, और किसके कारण? हम तो सुंदर साह जी यहाँ बैठे हैं ना ध्यान से, तो हमारी आत्मकल्याण के लिए बैठे हैं, हमारा अपने लाभ के लिए बैठे, हमारे सुख के लिए बैठे। हम 25 पक्ष का राज्य का युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में डूबने के लिए और मूल मिलावे में मूल स्वरूप हमारे परात्म में जगने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया कि देवचंद्र जी ने, देवचंद्र जी के प्रियतम ने जो मेहर की, तो हमारे सबके प्रियतम वही तो है अक्षराती, जो देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी के प्रियतम थे वही तो हमारे प्रियतम है। और तातम का जो हम छह चौपाई के तातम बोलते हैं ना, दो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा तीत सो तो अब जाहिर वये शब विद्वतन सहित, ये स्पष्टीकरण में आगे करूंगी। तो जो तातम का अवतरण और दूसरा काम ये होगा कि गांगजी भाई के घर, अभी हमारा जो जागणी अभियान चल रहा है ना ध्यान से सुनना, उसकी नींव कहाँ रखी गई? सबसे पहले गांगजी भाई के घर चाकला मंदिर में ये जागणी अभियान की नींव रखी गई। और आज 400 साल से अब ऊपर का समय हो गया तब से ये अभियान चल रहा है, यात्रा अभी बंद नहीं हुई है, ये बैठक अभी बंद नहीं हुई है। राज्य आगे बोलेंगे बैठक ना कीजिए बंद, बस मोमिन जहाँ बैठेगी ने वो अखंड विश्व की बात करेगी। तो भले सरसावा की धरती पे ये पंडाल में बैठी है, लेकिन ये स्थान क्या बन जाएगा? विश्व बन जाएगा, मतलब अखंड का स्थान बन जाएगा, मूल मिलावा बन जाएगा ने। और दूनी बातें करें, दूनी की आखर तीत दोजक, दुनिया किसकी बातें करती रहती है? ये संसार की, तो वहां क्या बन जाएगा? नरक दोजक। तो यहां क्या बताया कि ब्रह्म सृष्टियों पर जो गांगजी भाई के घर जागणी की नींव रखी गई वहां से अभियान शुरू हुआ, और श्री जी ने वही मार्ग का अनुसरण करते करते ब्रह्मात्माओं को कैसे संदेश दिया, कैसे ये तारतम की चौपाई की सिर्फ बीज मंत्र रूप, ध्यान से एक मूल में बीज अंदर बोने के बाद जमीन में सीधा पेड़ नहीं बड़ा हो जाता, फिर अंकुर निकलता, ठीक है, अंकुर के बाद छोटा सा, ध्यान से, छोटा सा पेड़ होता, पेड़ के बाद फिर बड़ा पेड़ होता, फिर उसके बाद अंदर फल लगता। तो जामनगर में उसका बीज डाला गया तारतम का, ठीक है, बताए ना कि मध्य जो पुरी कहावे नौतन जेनु नाम उत्तम चौदे भवन में जा वाला नो विश्राम। तो जो बीज डाला जाएगा और सूरत में वो पेड़ बनेगा बड़ा, और वहाँ पद्मावती हमारा जो हमारी राजधानी कही गई कैपिटल हमारा, वहाँ फल लग जाएगा। तो वहाँ बीज डाला, लेकिन बीज के अंदर पानी बोने के लिए, मान लो हमने डाल तो दिया उबर जमीन के अंदर डाल दो, तो ये बीज पलवलित होगा? नहीं होगा। और ऐसी खेड़ाऊ जमीन में, मतलब ऐसी अंदर की प्रेममय जमीन में, अंदर की हृदय रूपी जो धरती को, तो श्री जी की और श्यामा जी की दिल रूपी
जो धरती है, पृथ्वी है, दिल को एक जमीन कहा गया है, खास जानी खेड़ी जिमी, बीज बोया वतन उगिया वाही रसम, तो उसी के अंदर बीज बोया गया और वो बीज प्रवलित होके कैसे अगर श्री जी के दिल में आगे वृक्ष बनेगा, मंगलपुरी में दूसरी पुरी की स्थापना होगी और वहाँ से 500 की जमात और वहाँ राजधानी पन्ना में पहुँचेगी। तो ये दोनों काम, इसलिए पहले ही चौपाई की चौथे चरण में बता दिया कि मेहर करी सयनों पर। ये मेहर सिर्फ नींव डालने के समय पे वही इतनी नहीं, तब तक मेहर बरसती रहेगी जब तक मूल मिला में नहीं पहुँचेंगे ना, मूल तन में वापस नहीं लौटेंगे ना, तब तक ये मेहर हमारे पर बरसती ही रहेगी। रह न सकूँ मैं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन, रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूँ। तो सिर्फ अभी थोड़ी दृष्टि की है, यह दृष्टि तब तक बनी रहेगी जब तक मोमिन इस संसार में रहेगी। देखो हमारी दृष्टि तो पता नहीं दिन में 3-4 बार जाती होगी तो राज्य के चरणों में, मेरी तो नहीं जा रही है, पता नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ ना बैठना और लगना, बहुत ध्यान से सुनना, बैठना और लगना बहुत तफावत है। बैठ ली तो बैठ तो सब कोई 5-5 घंटे 4-4 घंटे बैठते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से मन लगना, ध्यान एकाग्र होना, राज्य के साथ एक रस होना, वही शोभा में डूबना, वही स्वरूप में डूबना, ये अलग बात है। और बैठ तो बहुत से लोग लेते हैं और उसके अंदर कोई परिवर्तन ना दिखे, लेकिन 5-10 साल या 15 साल के बाद वही गंदगी अंदर भरी रहे और फिर हमारी रहनी के विरुद्ध हम, ब्रह्मात्माओं की रहनी के विरुद्ध हम काम कर ले तो हमारा बैठना भी व्यर्थ चला गया। चाहे 15 साल बैठ लिया ध्यान में, ध्यान से, चाहे 10 साल बैठ लिया, चाहे 25 साल बैठ लिया, बैठने से कोई फायदा नहीं है। बैठे तो ऋषि मुनि हमारे से और एकाग्रता से इतनी कठिनाइयां उठाते उठाते बैठे, उसने थोड़ी परम धाम को देखा है, हमको तो वाणी मिली, गुनेगार तो हम है। इतने साल बैठने के बाद समाज में इतना वो प्रभाव जाहिर कर दिया कि देखो मैं इतने इतने घंटे बैठती हूँ, बैठता हूँ, ठीक है, इतना वायरल किया, प्रचार प्रसार किया और बैठने के बाद रिजल्ट क्या, सुनिए हमारे अंदर का क्या बदलाव, क्या परिवर्तन। एक बुखार आते हैं ना हमारे अंदर ध्यान से, आज मेरे अंदर है, ठीक है, थोड़ा कुछ और लग रहा है तो भी एक लक्षण होते, सिर दर्द होता होता ना, बुखार होती तो लूज मोशन जैसा हमारा बॉडी वो हो जाता, बुखार एक आँखों में भी जलन होता, एक लक्षण होते। देखो एक सिंपल शरीर भी जवाब दे रहा है। तो देखो जो ब्रह्मात्मा राज्य में डूब रही है उसी के साथ एक रस हो रही है तो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए। और एक बार डूबने के बाद कोई किसी का निकलने की इच्छा होती क्या, का तो वो डूबी नहीं है, मतलब पतंगा की तरह, का तो वो दीपक के पास गया नहीं है, मतलब बताया ने जीव जीवो जीव जीव तनी ये रीत, नव मुके अंधेर निप्रीत, धनी हमारो अक्षरातीत, तो ये हमें न समझिया प्रतीत, जुओ ये जीवन तनी ये रीत। पतंगिया जैसा एक छोटा सा एक कीटा, पतंग जैसा एक कीड़ा, एक पतंगा क्या करता है, का तो दीपक के पास जाके अपना तन खत्म कर दे, का जंपावी ओलवे आग अने का कायानो करे त्याग, का दीपक को बुझा देता है ने का अपने शरीर का त्याग कर देता है। और पतंगा ही दीपक के पास जाके फिर आके अपने ई ग्रुप में आके बोलने लगे कि मैं दीपक देख के आया हूँ, क्या वो पतंगा नहीं, का वो दीपक नहीं, का वो पतंगा नहीं, का वो दीपक नहीं। तो हमारी हम अपने को पूछे ने, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं अपने जीव को ही कह रही हूँ, ये किसी की बात नहीं, आप उल्टे मोड़ से मत लेइए, का मैं पतंगा नहीं हूं, ये जीव की रीत बताई सुंदर साथ जी। हम तो हमें प्रणामी रे परम धाम के गाते ना, एक बनाया हुआ भजन में, हमें प्रणामी रे परम धाम के, आके माया में
भूले प्रणामी रे परम धाम के, बोलते तो है, क्या करूं, कितना कहूं, कितना बाकी रखूं, आगे बढ़ना है, ये प्रसंग को पूर्ण करना। सुंदर सा जी हमारे पर कैसी मेहर, और देवचंद्र जी की, और आगे बढ़े तो किस कितनी कसनी की उसने अब आखर की ओर जा रहे, तो उसके साथ दज्जाल लड़ा। दज्जाल के रूप में कौन, बुखार, ज्वर, बुखार आने लगा, और बुखार भी वहां तक पहुंच गया कि सन्निपात, हवा थोड़ी की कुछ बाहर की लग जाए ने तो सन्निपात से व्यक्ति को सिर पर जब बुखार मतलब चढ़ जाता सिर में तो बड़बड़ाने लगता, वहां तक का बुखार इतनी डिग्री का वो बुखार हो गया। तो यहाँ बताया कि देवचंद्र जी को, क्योंकि सुंदरसा जी इतनी तड़प के बाद, हमारे लिए तो इतनी तड़प मतलब ये तो आगे इंद्रावती के लिए भी क्या विरह है, क्या वो कैसे डूबेगी और हबसा में राज्य दीदार देंगे, इससे पहले सुंदरबाई की कसनी की हद की ओर जब जा रहे हैं कि कसनी की भी एक हद है और हमारे लिए कसनी कर रही है कि आने वाले सुंदर साथ इस राह पर चल के जैसे मैंने प्रियतम को पाया तो मेरे सुंदर साथ भी यहाँ बैठे बैठे प्रियतम को पाए, वो बता रहे हैं। तो यहाँ बताया कि दो दिन का लंघन हुआ, लेकिन ध्यान से सुनना, अपना अपने बांके बिहारी की सेवा, वहाँ की जो कथा सुनने की जो निष्ठा है वो नहीं टूटते है। आज हमारा सिर दर्द होता ना, हमारे अंदर थोड़ा कुछ वो होता ना तो हम कमरे से बाहर भी नहीं निकलते कि चलो दीदी की तो कल भी सुनी, परसों भी सुनी, चार पांच दिन से सुनते आ रहे, कमरे जाके मोबाइल से सुन लेंगे, इसमें क्या है। थोड़ा कुछ बॉडी में थोड़ी कुछ भी अंदर से दर्द या कुछ भी होता बुखार जैसा तो हम चर्चा को क्या कर देते, आज को कैंसिल कर देते, हम नहीं आते। देखो यहाँ अपनी निष्ठा नहीं तोड़ते, अपनी सेवा भी नहीं, सुनने की जो है वो भी जो रोज नित्य जा रहे हैं वहाँ जाके, और कान पे अंगोछा एक छोटा सा कपड़ा बांध के कान को मुंद कर वो कथा में गए। तो हम इस प्रसंग से यही बोध ले कि सुंदर सा जी शरीर की ओर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शरीर को रोग है, ये शरीर को दर्द है, ये शरीर को पीड़ा है, बस मेरे को ये खोटा साटे साचो मले छे एवी मली छे बाजार, वृथा वृथा का निगमोरे, किरंतन ग्रंथ के 125 नंबर के प्रकरण की छुपाई है। खोटा साटे साचु मले छे एवी मली छे बाजार, लाभ आलेखे अफेरा तणो तमे राखी सको व्यवहार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जा, उत्तम मान खो खन भरथ नो श्रेष्ठ कुल सिर दार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जा। ये श्यामा जी के अंदर पहले ही राज्य प्रेरणा डालते रहे, पहले ही इल्हाम देते रहे कि श्यामा जी ये जगत झूठा है, नश्वर है, कुछ नहीं है, उसकी साथ बंधे हुई प्रकृति के साथ बंधे हुई तन की ओर ना देख। देखो रामकृष्ण परमहंस, किसी अनुयायी ने उसको पूछा कि आपको कैंसर है तो आप अपने आराध्य को काली को या तो परब्रह्म के स्वरूप में ध्यान करते थे, काली का नहीं था, वही भाव लेकर बोला कि तुम अपने काली को अपने आराध्य को नहीं पूछते कि भाई मेरे को कैंसर मिटा दो अंदर से, तो रोग ठीक कर दो। तब रामकृष्ण परमहंस जैसे एक महापुरुष ऐसा बोलते, उसके अंदर इतना बल है आत्मिक, वो बोलते हैं कि कैंसर तो मेरे शरीर को है, मेरी आत्मा को नहीं है। कि हम ये कह सकते हैं
हम तो ब्रह्मात्मा है, रामकृष्ण परमहंस नहीं पहुंचे, वो तो शून्य निराकार तक ही बस उसकी तो पहुंच है, हमारा तो कम क्या पहुंचे। अगम पार अपार पार, जहां है तेरो घरार, हमारा घर तो कहाँ है, अगम पार अपार पार मूल मिलावे में है। देखो यही है कसमी, कितने लोगों ने सुंदर सा जी, हम थोड़ी सुखदेव बने हैं, मतलब जीव की बराबरी करें तो सुखदेव की जीव की बराबरी हम कर पाएंगे क्या, सूरदास के जीव की बराबरी हमारा जीव कर पाएगा क्या, दयानंद सरस्वती के जीव की बराबरी हमारा जीव कर पाएगा। देखो राज जी ने बहुत सरलता से दे दिया, इसलिए तो मूल्य नहीं है हमारे पास, सहजे मिल गया ने। भव सागर की कीने पाई ना किनार, सो तुम से है जे उतारे पार। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी को लागू पाए। भव सागर के किने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। हमको खेला देखा मन काज, आगु आए श्री राज। सुंदर सा जी सहजे मिल गया ने, नहीं जप, ध्यान से, नहीं जप, नहीं तप, नहीं व्रत, नहीं जोगारम कष्ट, ये चाल बताई ब्रजरास में प्रेम जो ब्रह्म सृष्ट, बस सिर्फ प्रेम से रि जाना है, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई कसनी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं जोगारम नहीं, कोई अठ योग का, मंत्र योग का, नाद योग का, जप योग का, कुछ भी नहीं, बस वाणी खोलो, राज्य का स्वरूप पढ़ लो, सिंगार में पढ़ लो, सागर ग्रंथ में पढ़ लो, चौथे सागर दधि सागर को, बस ध्यान में बैठ जाओ, मूल मिलाव का दर्शन। श्यामा जी क्या कसनी कर रही है, समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए हमारे अंदर पीड़ा, क्या होनी चाहिए सहज मिले। एक धनवान घर के लड़के होते नहीं, उसको पता नहीं होता गरीब या मतलब वो जो गरीब भाई अंदर की जो दुख की चीज क्या है, क्योंकि उसने दुख देखा ही नहीं। सुख में तो सुखदायक पर स्वाद नावर, ऊपर परम धाम में हमने यही तो नहीं जान पाया था, साहेबी में थे ना, बेन्याज थी। तो यहां हम प्रसंग में आगे बढ़े तो देवचंद्र जी अपनी निष्ठा में कमी नहीं आने देते, सुनने के लिए गए तो शरीर की ओर नहीं देखना है, ठीक है, इतना अस्वस्थ हो जाए कि हम चलने की ताकत ना हो तो ठीक है चलो। और दो दिन लंघन हुआ, उपवास किया, चार दिन, छह दिन, ऐसे करते करते 12 दिन हो गए, लेकिन अपनी बाके बिहारी जी कि जो बागा वस्त्र की सेवा है, कथा सुनने की जो सेवा है, उसमें कोई कमी आने नहीं दी। करते 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 सुंदर साथ जी क्या हुआ कि उसको 12 दिन के बाद ऐसे शरीर फिक्का पड़ गया, सफेद सा हो गया, चलने की ताकत नहीं रही, तो वैद को बुलाया, वैद ने आके काढ़ा पिलाया, दवाई दी, लेकिन तभी वैद्य ने क्या परहेज करने के लिए बोला कि उसको बाहर की हवाई नहीं लगने देना, उसको थोड़ा
देखभाल करना है, खाने पीने का थोड़ा पथ्य के हिसाब से भोजन का ये सब ध्यान रखना है। तब माता कुंवर बाई वहाँ खड़ी थी, हमारे अंदर भी हो ही होता ना, हम भी सीधे जब तक बोलते नहीं तब तक तो शांति होती ही नहीं। तो वहाँ माता कुंवर बाई खड़ी थी, उसने बोला अरे अब भी जाएंगे वो तो कथा सुनने के लिए, वो क्या मानने वाला थोड़ी है। माता पिता जो एक हम कोलू के बैल की, ध्यान से सुनो, कोलू के बैल की तरह 12 घंटे कोई भी रोजगारी या धंधा बिजनेस में हम लगे रहे तभी तो कभी माता पिता नहीं बोलेंगे तो भाई बेटा रात को भी नाइट ड्यूटी कर ले, समझ में आया, नाइट ड्यूटी कर ले क्योंकि घर में और सैलरी आएगी ना, और पगार आएगा ना। लेकिन वहां क्या बोला कि नहीं तेरे को नहीं जाना है, वहां आत्मा के कल्याण के लिए सब बाधा बन रहे हैं। देवचंद्र जी की निष्ठा देखो कि मेरे और राज्य के बीच में कोई आए, तो देवचंद्र जी ने अभी वैद खड़ा था तभी बोल दिया कि नहीं मैं तो कोई भी स्थिति में जाऊंगा। तब उसको समझाया वैद को और वैद ने दवा भी ले ली वापस के भाई जो ऐसा करेंगे तो दवा देने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं फिर वापस ले लेता हूँ। तब मतु मेहता ने समझाया कि नहीं हम उसकी देखभाल करेंगे, वो नहीं जाएंगे। वही वैद्य जी ने समझ के वो काढ़ा बनाया आश्वस्त करके, भाई थोड़ी सांत्वना दी और काढ़ा बनाया पिलाया और वैद तो वहाँ से चले गए। और थोड़ी देर में कथा सुनने का टाइम हुआ और देवचंद्र जी के अंदर तो मैसेज, अभी की तरफ फोन है, तभी फोन नहीं था, अंदर से मैसेज मिल जाती थी। परमधाम में क्या कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी थी अभी की तरह, कोई मैसेज भेजने की कोई टेक्नोलॉजी थी? तो भी जो रंग मॉल के अंदर से राज्य दर्शन देते थे त्रिजी भोम की पड़साल से या कहीं भी से, तो भी सर्वर सागर में छोटी सी एक चिड़िया के अंदर मैसेज पहुंच जाते थे वहां तक। वैसी वाली लीला यहाँ करके बताई सुंदरसा जी देवचंद्र जी के अंदर, और आगे भी हम लीला में अलग अलग रूपों में देखेंगे कि देवचंद्र जी को मैसेज पहुंच गया कि भाई समय हो गया, क्योंकि आधे घंटे के बाद उसको थोड़ी सुधि आई तो बोले कि चलो समय हो गया, मैं तो सुनने के लिए जाऊंगा। तब मतु मेहता ने कमरे के अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं जाना कोई भी स्थिति में। बेटा ये शरीर धर्म खलु साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर है तो धर्म रहेगा, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तू कैसे धर्म में आगे बढ़ेगा, कैसे धर्म की सेवा कर पाएगा। तो मतु मेहता की मत माया की थी और देवचंद्र जी ने क्या बोला कि नहीं पिता, धर्म रक्षति रक्षित, जो धर्म है तो देह है। क्या बोला? जो धर्म है तो देह है, बाकी तो मेरे लिए सब नश्वर है, सब साइड में, बस पास में, मेरे लिए धर्म का मैं रक्षण करूंगा तो धर्म मेरा छतरी से समान, छतरी के समान रक्षा करेगा। तो यहां अंदर देवचंद्र जी के अंदर विरह की एक पराकाष्ठा, अंदर से एक ललक की पराकाष्ठा सीमा से अति हो गई, तो वो ऐसे चक्री खा के पीछे की ओर, दरवाजे के पीछे की ओर अंदर ऐसे ही नीचे गिर गए और आंखें सब अंदर चढ़ गई, सफेद सा चेहरा हो गया, फिक्का हो गया शरीर, पीला सा, और अंदर से आवाज आई माता कुंवर बाई ने जबरदस्ती से समझा के मतु मेहता को, दरवाजा खोलाया और दरवाजा खुल के जैसे अंदर देखा तो बेहोशी में देवचंद्र जी पड़े थे। देखो तो भी मिलना तो है, हम यही स्थिति से गुजरते, यही स्थिति से तो क्या तो भी कथा सुनने के लिए जाते हैं, चर्चा सुनने के लिए जाते हैं क्या? फिर आधे के घंटे के बाद थोड़ी होश आई और तभी मतु मेहता ने बोला बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? उसको ऐसा लगा कि चलो थोड़ी देर हम उसको कान में बोले, उसको क्या करे, करे तो क्या करे, विचार भी नहीं उठ रहा है। तभी बोले कि चल बेटा, कांजी भट्ट का संदेश आया है, तुमको हम हाथ पकड़ के तेरे को वहाँ श्याम जी मंदिर में छोड़ दे। तब देवचंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे, हम होते तो अंदर से हमारी उग्रता
प्रकट कर देते, व्यक्त कर देते। अरे भाई पिताजी तुम तो मना कर रहे, तो मेरी स्थिति तो तुम बनाने वाले हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, हम तो यही बोलेंगे ना। देखो कितना धैर्य, कितना शांत है अंदर से। हमारी पहचान तो यही है, हमने जो गुणों को आत्मसात किया है तो हमारे अंदर से प्रेम ही निकलना चाहिए, उग्रता नहीं निकलनी चाहिए। बोला कुछ नहीं, बोला मौन, और हाथ अंगोछा बांध लिया, कान को मुंद दिया और हाथ में एक लकड़ी लेके वो निकल पड़े और श्याम जी मंदिर में जाके वो बैठ गए कथा सुनने के लिए। और कथा सुन के जब घर पे आए, और घर पे आके उसके अंदर जो ज्वर था वो थोड़ा हल्का होने लगा, स्वास्थ्य सुधरने लगा, ठीक होने, क्योंकि जिसकी जिसके अंदर लगी होने उसका दीदार ना होने तब तक। मान लो एक राधा जी का मैंने प्रसंग एक पौराणिक धर्मग्रंथ के माध्यम से सुना है कि राधा जी कई बार ऐसे बेहोश हो जाती थी, तो कई बार कई वेदों को बुलाते थे, राधा जी होश में नहीं आती थी, क्योंकि राधा जी के अंदर का रोग दूसरा था और वो लोग वेद को बुलाते थे। फिर एक दिन कृष्ण को लाया गया, कहाँ से, गोकुल से। तो राधा जी के पास, राधा जी की आँख तो बंद है, मिलना तो अंदर से है ना, खुली आँख से थोड़ी मिलना है, ये तो बॉडी दिख रहा है खुली आँख से, तो स्वरूप थोड़ी दिखेगा, रूप दिखेगा, ये आँखों से ध्यान से, ये आँख से रूप दिखेगा, स्वरूप नहीं दिखेगा। तो जैसे राधा जी के सामने कृष्ण को खड़ा किया गोकुल से बरसाना में, ठीक है, तो राधा जी की ऐसे ही अचानक सीधी होश में आ गई कि मेरे को यही रोग था। समझ में आया, सखी रे आत्म रो घबरो लाग्यो, सखी रे आत्म रो घबरो लाग्यो, जिनको दारू नमी ले तबीब, सखी रे आत्म रो घबरो लाग्यो। ध्यान से, 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, जो हुआ हाथ हबीब, सखी रे आत्म रो घबरो लगे, आत्म रोग का सुख कहिए, जो पेठ दही पर आत्म। क्या बोला, आत्मग्रो किसको कहते हैं, जिसने पीठ पर आत्म को दी है। अभी क्या करना है, पीठ संसार को देनी है देवचंद्र जी की तरह, और आत्मा को परात्म की ओर मोड़ना है। यह देवचंद्र जी ने क्या किया, सुनने के बाद घर पे आए और ज्वर भी ठीक, क्योंकि अंदर से आत्मा को एक रोग लागू हुआ। यह रोग होना चाहिए, हमारे अंदर बहुत से रोग है, धन संपत्ति कमाने का, रूप सौंदर्य का बहुत सा रोग है, लेकिन यह रोग अंदर नहीं है। यहां सुंदर साहब जी देवचंद्र जी के अंदर जो ये अपने प्रियतम को मिलने की अंदर से एक जो पिपासा जगी है, फिर तो सुनने लगे। फिर आगे चौपाई बताई कि ता पर, ध्यान से, ता पर 15 दिन हुए कथा सुनते कान, तहां आके हक के दीदार दिया, क्या तुमको मेरी है पहचान। बोले श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु समस्त सुंदर, तापर कितने दिन हुए, उसके बाद 2-3 दिन बीते, 15 दिन हुए कथा सुनते कान, तहां आई के हक के दीदार दिया, और राज्य ने परम धाम के पूर्ण सिंगार में दीदार दिया, और आके पूछा कि तुम मेरे को पहचानती है क्या। तब श्यामा जी ने इतना ही बोला, ध्यान से, इतना ही बोला कि हाँ तुम मेरे आत्मा के प्रियतम हो, खाविंद हो, बाकी का मैं कुछ जानती
नहीं हूँ, ये आप कलश ग्रंथ के प्रथम नंबर के प्रकरण को पढ़ लेना, पूरा यही है। पिया में बहुत तक तो को ढूंढिया, उसमें है कि इस संसार की तो सब कुछ चीज़ें जानती हूँ, लेकिन राज्य का तो बहुत सालों से सरसावा और भंडारे में जाती हूँ, लेकिन अभी राज्य को जाना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ, किसकी बात है ये? हमारी, ठीक है, देवचंद्र जी की नहीं है। तब राज्य ने जाके बताया कि चलो ठीक है, तुम्हारी पहचान मेरी मेरी तो तुमको बोला कि हाँ मैं तुमको पहचानता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? दूसरा क्या पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या उसको आपको उसकी आपको जानकारी है, क्या पता है? तब भैया के बताया कि नहीं प्रियतम, मैं अज्ञानता में इतना तो बोला जो तुम मेरे खाविंद हो, आगे का मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब राजी ने जाके बताया कि तुमको पहचान नहीं है ने, चलो मैं बता रहा हूँ कि बाय नाम तुम्हारा सुंदर, तुम खेले व्रज रास में मनोरथ ना भये पूर्ण। तो तीसरो रचियो इनसे, तो तुम ब्रज में 11 साल 52 दिन तक, देखो वार्तालाप शुरू हो गया। आप चाकला क्या श्याम जी मंदिर का ध्यान करिए, वहां राज जी बहुत श्रीमंत चौधरी सेठ लोग बैठे हैं, लेकिन किसी की दृष्टि उसकी थोड़ी राज्य पर जाएगी, किस कौन कौन देख रहा, एक स्वयं देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी देख रही है और श्यामा जी को राज्य देख रहे, और पौने दो घंटे तक वार्तालाप चालू रहा कि हे श्यामा जी, तुम ब्रज में 11 साल 52 दिन तक पूरा निंद का रहा, तुमको पहचान सिर्फ प्रेम की मेरी हुई, लेकिन घर की हुई नहीं, और रास में गई वहां भी चलो प्रेम की और मेरी तो हुई, वहां भी घर की तो हुई कछु इनविद की ओर रास, खेल के फिरे घर उम्मीद ना हो या पूरण धाख मन में रही, तो रास से फिर परत परम धाम लौटी मनोरथ ना पूर्ण हुआ। तो तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड में तुम सब ब्रह्मात्माओं को लेके आई हो और तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ और 12,000 ब्रह्मात्माएं आई है, उनको जगा के साथ चलना है। बुलाई लिया वो तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते के हो कहलाया हक, ये मेरी आशिक है, मेरे बिना वो एक पल नहीं रह पाएगी, क्योंकि अभी गांव ग्राम में शहर शहर में वो परिवार को छोटा सा 40-30 साल से बंधे हुए परिवार को अपना मान लिया ना, इसलिए मेरे को भूल गई है। बोलिए श्री, क्या बोला राज जी ने, ये सब परिवार में अभी बंध गई है, तो उसने वही सब कुछ मान लिया है, उसको जगाओ और सबको लेकर परमधाम आना है। इतना ही नहीं, और भी देवचंद्र जी के अंदर यह स्वरूप बैठाने और परमधाम के पूर्ण सिंगार में कैसे किशोर वही किशोर अति सुंदर खेला स्वरूप जो वृंदावन किशोर वही का स्वरूप। तो हमारे एक समाज में भ्रांति है कि समाज को एक समाज में अंदर जो भ्रांति ना, वो लोग कहते हैं कि भाई रास बिहारी कृष्ण ने आके श्यामा जी को बोला कि हे श्यामा जी, मैं अक्षर से परे, अक्षर अक्षर से परे, अनादि अक्षरातीत, ध्यान से, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हूँ मैं, यही बोला। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ बात सही यही है कि कृष्ण का तन था ब्रज में चाहे रास में, वही तन का आधार लिया और उसमें अक्षरातीत के आवेश के साथ, अक्षर की आत्मा के साथ, चाहे बाल मुकुंद का रूप हो या किशोर वय का स्वरूप रूप हो, तो ये रूप में राज्य के आवेश शक्ति ने लीला की थी। अभी सबलिक के केवल सबलिक के स्थूल और स्थूल नहीं, सबलिक के कारण और महाकारण में जो लीला अभी अखंड है वो तो हमारे न्यूरी तनों की है, वहाँ आवेश भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये तो परम धाम से यहाँ यही बताया कि ब्रज और रास में जो तन का आधार लिया गया था, किस तन का, कृष्ण नाम के तन ना, वही तन के अंदर जो शक्ति थी, वही शक्ति क्षर से परे, अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत से ये शक्ति राज्य की मूल स्वरूप की शक्ति आई है और मेरे धाम दिल में विराजमान हो गई।
तो आई है तो परम राज्य का मूल स्वरूप कभी भी संसार में नूरी तन से नहीं आता। सुंदरसा जी उसका एक पावर एक शक्ति आती है। तो यहाँ क्या इस चौपाई के माध्यम से बताया कि ये स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और सामने जो दिख रहे श्याम जी मंदिर में स्वरूप के सामने जो वार्तालाप हो रहा है, और ये स्वरूप में इतने मंत्रमुग्ध श्यामा जी हो गई क्योंकि बहुत साल की कसनी के बाद राज जी मिले हैं, तो फिर भूल जाएगी ना, सब डूब जाएगी, भूल नहीं, सबको भूल के, माया सबको भूल के वो राज जी में डूब गई। और राज जी आगे बताने और सुंदरसा जी एक बात बताऊं तो परम धाम के सिंगार में आए तभी तो ये स्वरूप ने जागनी का उत्तरदायित्व सौंपा कि तू एक नहीं आई हो क्या। अखंड योग माया ब्रह्मांड का जो कृष्ण तत्व वाला स्वरूप होता तो ये परम धाम की बातें थोड़ी कर सकता, श्रृंगार की बातें थोड़ी कर सकता, झाकड़ी के उत्तरदायी तो थोड़ी दे सकता। फिर श्यामा जी के सामने तो मतलब जिसकी पत्नी है उसका पति तो सामने आएगा, पहले रण में भी वही तो राज्य का आवेश आया, बाल मुकुंद के रूप में कल दर्शन दिया वही तो आया, तो तीसरे दिन दर्शन में भी राज्य का परम धाम का पूर्ण श्रृंगार में दर्शन हुआ। और श्यामा जी को राज्य ने और आगे बताया कि हे श्यामा जी तू भी फरामोसी में अभी तक थी, तेरे को भी पूर्ण पहचान अभी तक नहीं हुई थी और तू अभी भी फरामोसी में हो। मैं बताऊँ क्योंकि खिलवत की पहले नंबर के प्रकरण की अंदर की चौपाई है क्या, धनी में तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत, खेल भी आप देखावत बल मेरो कछु न चलत, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो नींद में हूं, यहाँ की पूछो इस इंड की चौदह लोक की तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आगे क्या है मेरे को पता नहीं है। जागृत तो एक तुम हो मूल मिलावे में, तो तुम तो जगाएगे, जो जगा हुआ व्यक्ति ही तो जगाएगा, सबने चादर खींच के रखी है, सबने ओढ़ी हुई है, वो थोड़ी दूसरे को जगाएगा। तो यहाँ राज जी कह रहे कि श्यामा जी तुम जगेगी, फिर बाद में सब सुंदर साथ को जगाना है। और यहाँ भी रास के ग्रंथ में आँख मिचामनी की रामत में जब राज जी ने पूछा था कि श्यामा जी आपके बदले में दाव दे दूँ, आपकी आपका जो टन आया तो मैं उसके बदले मैं दे दूँ, तो बोले नहीं, क्या मैं खेलना नहीं जानती हूँ। तब राज जी मंद मंद मुस्कुराए थे अंदर से कि हाँ तेरा जब वो यहाँ जागनी ब्रह्मांड में आना होता ना तब तू मेरे को खोज लेना। यहाँ भी तीन बार हमसे पहले कौन आए, राज जी आए, उसने दीदार दिया, श्यामा जी ने नहीं खोजा है, तीनों बार राज जी पहले आए हैं। देखो फिर बोला कि श्यामा जी इतना नहीं, तेरे से भागवत के जो गोपनीय बात है और धर्म ग्रंथों की चाहे कथे भले दूसरे तन में खुलेगी लेकिन सब बात बता दी कि गोपनीय जो गुज गुज रहस्य है ये तेरे से खुलेगा। तो इतना जब वार्तालाप हुआ फिर इतनी खुशी समा नहीं रही है, बहुत सी बातें हुई लेकिन समय साथ दे नहीं रहा है। फिर इतने आनंद विभोर होके देवचंद्र जी घर पे पहुँचे, राज मंदिर में इतना आनंद से विभोर थे तो एक ही चौपाई का बीज मंत्र उतरा कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भये सब विद्वतन सहित तो परम धाम की शोभा ज्ञान संपूर्ण निधि के साथ राज जी यहाँ आए हैं। और यही सुंदरसा जी मूल बात है। और ये बात करने के बाद फिर देवचंद्र जी कभी भी भागवत सुनने के लिए कांजी भट्ट के वहाँ नहीं जाते हैं। हमारे समाज में एक और भी भ्रांति है कि भाई देवचंद्र जी ने 14 साल निष्ठाबंद भागवत सुने इसलिए राज जी ने दर्शन दिया। भागवत सुनने से राज जी का दर्शन होते हैं तो पहले सुखदेव जिसने लिखा है
उसको होना चाहिए। बाद में वही परंपरा में जो कथा करते आ रहे हैं अभी कांजी भट्ट तक, उसको होना चाहिए। फिर सुरमन चौधरी 40 साल से 50 साल से सुन रहे थे, उनको होना चाहिए। क्यों? देवचंद्र जी को ही हुआ। तो भागवत सुनने से नहीं, कसने की हद आई। और सुंदर सा जी जो दर्शन दिया, फिर बाद में हो नहीं गए। और उसके बाद थोड़े दिन तक वही चलता रहा। उसके अंदर ऐसा जग लगा कि भाई ये बात कहूँ तो किसको कहूँ, किसको कहूँ। तो गांगजी भाई परमधाम की धनबाई की आत्मा वासना एक दिन रास्ते में उसको मिले, तब पूछे कि भाई तुम बहुत दिनों से कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे हो, कल आए थे, आज तो अभी तक में आए नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो आज तो अभी तक में आए नहीं? तो बोले बहुत दिनों से नहीं आ रहे हो, क्या है? तो तब जाके देवचंद्र जी ने बताया। और सुंदरसा जी दर्शन देने के बाद वो सतगुरु धनी देवचंद्र जी कहलाए। पहले सिर्फ देवचंद्र जी थे, सतगुरु सत्य का ज्ञान आत्मसात किया, स्वरूप के साथ लीन हो गए। फिर गांगजी भाई को बात बताने लगे रास्ते में खड़े होकर। और पहले ये प्रश्न बोला कि यही बात बताई कि गांगजी भाई तुम और मैं कथा सुनते बहुत सालों से, और कांजी भट्ट भी बोलते हैं कि जब नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय जब होगा, तब तक 14 लोक, 5 तत्व और तीनों गुण सबका लय हो जाएगा, तो ये प्रकृति में लीन हो जाएगा और ये अव्याकृत में सब समा जाएंगे। और कांजी भाई को ये पता नहीं है अव्याकृत का, मैं आपको अभी बता रही हूँ राज्य की वाणी के माध्यम से, लेकिन यहाँ ये बताया कि सबका लय हो जाएगा, तब अखंड ब्रज और रास ये रहते हैं कहाँ? जो यहाँ यूपी के गोकुल मथुरा में है क्या? तो ये तो एक दिन महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो जो अखंड है तो है कहाँ? ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण, कहाँ है? चारों दिशा, चार कोने, जमीन, आसमान तो है कहाँ? तब गांगजी भाई को आश्चर्य हुआ कि अरे तुम ऐसे गहरे गहरे प्रश्न मेरे को, मतलब आप समझा रहे हो, तो ये बात आप कहाँ से लाए? मैं भी आपके साथ ही बहुत सालों से सुनता, लेकिन कांजी भट्ट ने तो ये बताया नहीं। तब जाके उसके अंदर पात्रता, योग्यता देखी, किसके अंदर? गांगजी भाई के अंदर। तो उसने आगे बताना शुरू किया, अखंड ब्रजरास के बाद झागड़ी ब्रह्मांड में आए, और उसके बाद ब्रजरास की लीला के बाद यहाँ कैसी कैसी लीला होने लगी, जैसे जैसे अंदर पात्रता बनती गई, और बहुत सी परम धाम की, और देवचंद्र जी के अंदर कैसे स्वरूप जैसे बैठा ने, ये बात मैं यहाँ इसलिए जोड़ रही हूँ कि गांगजी भाई के टाइम पे जोड़ूँ तो हम सबको लागू हो जाए। तब देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी ने पूछा कि धनी आप जाओगे तो जाओगे कहाँ? तब राज जी ने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बैठे अंदर आकार में आपके धाम दिल में बैठ जाऊंगा। ये प्रसंग मैंने इसलिए यहाँ जोड़े क्योंकि गांगजी भाई जब पूछ रहे तब गांगजी भाई को बोला कि गांगजी भाई राज जी की बैठक कहीं नहीं है, सिर्फ मंदिर में नहीं है कि पुजारी खोले और सेवा हो, राज जी की बैठक कहाँ है? धाम दिल में। तब जाके श्यामा जी ने बोला देवचंद्र जी ने कि तुम मेरे आकार में बैठ जाओगे तो तुम ही तो बोलेंगे, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही मिट गया, तो कहने वाले, करावने वाले, कहावत कहलावत तुम, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे को कहाँ किस बात की चिंता। चलो तो फिर आज देवचंद्र जी गांधी भाई के साथ बात करे तो अंदर से कौन जवाब देगा? स्वयं राज्जी। तो राज्जी बोल रहे हैं यहाँ। और गांगजी भाई को आगे बताते गए पनिहारी वहां से निकली, तीन बार देखो सब जगह तीन बार, ब्रज रास और जागनी। और हमारी जो आगे की सातवां दिवस किन की लीला होगी ने, तो क्या होगी? अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जी जोग, तीन लीला यहाँ की, और चौथी घर की ये सातवें दिन की, ठीक है? तो यहाँ पनिहारी ने सोचा कि अरे भाई मैं एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार, देखो वो किस मिट्टी के बने हैं,
कोई अलग तत्व के बने क्या, उसका पैर नहीं थक रहे, मन नहीं थक रहा है, कैसे है ये, बैठ के बातें नहीं करे। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने बोला भाई बैठ के बातें करो, तब उसको सुधि आई। और सुंदरसा जी उसके बाद तो बहुत दिनों तक ये बात चलती रही, और जैसे पात्रता बनती गई तो उसके अंदर योग्यता पूरी व्रज की, रास की, धाम, क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर स्वरूप बैठ गया, युगल स्वरूप, तो उसको पाताल से लेकर परम धाम तक की सब अंदर से शुद्धि होने लगी, मतलब ज्ञान अंदर पूर्ण रूप से, युगल स्वरूप भी बैठ गए तो परम धाम का 25 पक्ष का पूरा वर्णन होने लगा, व्रज का, रास का, माधुर्यमय लीला का, तो गांगजी भाई सुनने लगे। और एक दिन गांगजी भाई ने बोला कि मेरी इच्छा है, आपके अंदर से कोई स्वरूप बोल रहा है, वो मेरे को पूर्ण पहचान करवा रहा है, तो ऐसा करो ने मेरे घर चलो। तो राज मंदिर से उसको सामने की गली में जो चाकला मंदिर है वहाँ धनी के स्वरूप में पहचाना, राज्य के स्वरूप में पहचान लिया। और प्रकाश ग्रंथ में चौपाई बताई कि कर विचार पूछे वचन, निके अर्थ लिए जो इना, जब समझाई पार की बांध तब धनी की करी कही पहचान, अपनों घरों लिए बुलाई, स्नेह सो सेवा करी धनी, पहचान के अपना धाम धनी। तो जैसे ही गांगजी भाई ने धाम धनी के, क्योंकि उसने बोला कि तुम, देवचंद्र जी ने बोला कि मैं जो चर्चा करता हूँ नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे अंदर बैठ के स्वयं राज्जी करते हैं। तब गांगजी भाई को पहचान हुई कि तुम तो एक देवचंद्र जी नाम के तन हो, लेकिन आपके अंदर बोलने वाले तो राज्जी है, तो तुम तो स्वयं राज्जी हो, तो चलो मेरे घर, मैं राज्जी का स्वरूप मान के वहीं चर्चा, सत्संग और जागनी अभियान की नींव शुरू हो जाएगी। तो राज्जी का स्वरूप में, राज्य के भाव में, राज्य के स्वरूप के भाव में उसने देखा, और वही भाव में अपने घर में पधराया, और वहाँ सुंदरसा जी लीला शुरू होगी। ये प्रसंग को हम कल देखेंगे, तो ये चौपाई हम यहाँ दोहरा देंगे। बोले श्री प्राणनाथ। महामती कहे ये साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद, ताको करो याद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।